अभी तक हम लोगों ने बहुत सारी बातें की अबाउट द कम्यूटेशन सर्किट। जैसे कि मैंने आपको समझाया, काफी बार कोशिश भी की है समझाने की बेटा, कि कम्यूटेशन सर्किट इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ओके इन द पावर टॉनिक्स फॉर गेट पॉइंट ऑफ व्यू। तो जैसे कि बहुत सारे क्वेश्चन जब हम लोगों ने डील किए थे तो वी हैव ऑब्जर्व बेटा फ्रॉम 1992 टू ऑनवर्ड्स 2022 लगभग ऑलमोस्ट हम बोल सकते हैं बेटा एक दो साल के गैप पे या अल्टरनेट ईयर के गैप पे या कभी कभी कंटिन्यूसली इस टाइप के क्वेश्चन या इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ओके। बट अगर आपने देखा होगा कम्यूटेशन सर्किट का पहला पार्ट, तो मैंने आपको कुछ बेसिक आइडिया दिया था अबाउट द कम्यूटेशन, नेचुरल कम्यूटेशन एंड फोर्स कम्यूटेशन। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया टाइप ए कम्यूटेशन, टाइप डी कम्यूटेशन एंड टाइप डी कम्यूटेशन। अगर मैं आपसे यार बात कहूं कि सिंपल वे से यार टाइप ए कम्यूटेशन इज समवॉट इजी ओके, बट टाइप डी इज समवॉट डिफिकल्ट ना बेटा, और टाइप सी डिफिकल्ट भी नहीं है और इजी भी नहीं है, बट डेफिनेटली रिक्वायर गुड एनालिसिस फॉर टाइप सी एज वेल। बट अगर आपको याद हो तो मैंने ये भी काफी बार बोला था बेटा कि पावर टॉनिक्स में दो टॉपिक बड़े टफ माने जाते हैं, एक वोल्टेज कम्यूटेशन और एक करेंट कम्यूटेशन ओके। करेंट कम्यूटेशन इज ऑल्सो रियली वेरी पॉपुलर स्पेशली इन द ट्रैक्शन सिस्टम ओके, व्हाई वी विल डिस्कस सम टाइम लेटर इन द सेम सेशन। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट बेटा करेंट कम्यूटेशन इज समवॉट कॉम्प्लेक्स इन कंपेरिजन टू वोल्टेज कम्यूटेशन, बट स्टिल इफ वी आर हैविंग गुड नॉलेज ऑफ द वोल्टेज कम्यूटेशन देन वी कैन इजिली अंडरस्टैंड करेंट कम्यूटेशन ओके। तो देखिए यार, जैसे आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब हम लोग लाइव सेशन में थे वोल्टेज कम्यूटेशन के, तो आई थिंक हम लोगों ने ऑलमोस्ट बेटा 3 घंटे वोल्टेज कम्यूटेशन पे स्पेंड किए थे हैं। यार लाइव सेशन में 3 घंटे आप जानते हो कंसिस्टेंसी मेंटेन करना, कंटिन्यूटी बरकरार करना एक स्टूडेंट के लिए खास तौर से ऑलमोस्ट एंड ऑफ नवंबर में थोड़ा टफ हो जाता है ओके। यही कारण था बेटा कि मैंने करेंट कम्यूटेशन रिकॉर्डेड फॉर्म में उठाया, बट आई एश्योर यू ये लाइव ही होगा, बट आई एश्योर यू बेटा द मोमेंट एट विच यू विल गेट डाउट आई विल रिप्लाई इन द कमेंट बॉक्स ओके, आई विल रिप्लाई इन द कमेंट बॉक्स। तो जब आप इसको लाइव देख रहे होंगे और कहीं भी आपको डाउट आए वहीं पर मुझे बताइएगा, लाइव सेशन की मैं बात कर रहा हूँ, उस बात आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर ही सकते हैं, तो मैं आपको लाइव बॉक्स में ही लाइव चैट में रिप्लाई करता रहूंगा ओके। But again, I want to tell you that current commutation is somewhat difficult, undoubtedly, but it is not really difficult when I will handle this one for you. Okay? साथ में मैं ये भी कहूँगा, this current commutation is really not, ऐसे नहीं मैं कह रहा हूँ कि बहुत बहुत important है या least important, नहीं, moderate type we can say. अभी तक current commutation से बेटा एक क्वेश्चन पूछा गया है ओके, हार्डली हम बोल सकते हैं 2 क्वेश्चन पूछे गए, एक क्वेश्चन ऐसा आया था जिसको आप करंट में डाल दो वोल्टेज में डाल दो दोनों बातें एक ही हैं। बट मिक्स फॉर्म में अगर मैं बात करूं तो अभी तक एग्जैक्टली करंट कम्यूटेशन से और टाइप बी कम्यूटेशन से एक क्वेश्चन आया, इसके बाद मिक्स फॉर्म में बेटा 2-3 क्वेश्चन और आए जिनमें आप करंट कम्यूटेशन चॉपर के कंसेप्ट लगा सकते हैं ओके। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि वोल्टेज कम्यूटेशन और करंट कम्यूटेशन में प्रायोरिटी बेस बात करूं तो 70-80% हाई पॉसिबिलिटी है क्वेश्चन आने की वोल्टेज कम्यूटेशन से और लेस पॉसिबिलिटी है करंट कम्यूटेशन से। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि टाइप ए या टाइप सी आपको छोड़ के जाना है, उनको भी एक नजर आपको देखना है। हालांकि टाइप ए तो इज इजी रियली एंड टाइप ए कम्यूटेशन लाइक कंसेप्ट वाइज वी यूज इन वोल्टेज कम्यूटेशन एज वेल एज वी यूज इन बेटा करंट कम्यूटेशन ओके। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द जर्नी ऑफ करंट कम्यूटेशन ओके। तो मैं बस इतना कहना चाह रहा हूं बेटा, एक बार सर्किट को पहले फील कर लीजिए, व्हाट इज करंट कम्यूटेशन वी विल सी ओके। तो सबसे पहले पॉइंट पाते हैं बेटा, सी प्रॉपर्ली जो मेन एससीआर है, अब तो वोल्टेज कम्यूटेशन से समझने लगे हो, जो मेन एससीआर है टीएम बेटा एंड दिस डायोड एंड लोड आर कनेक्टेड इन दिस वे। यानी कि अगर सर हम ये ऑक्सिलरी एससीआर वीएसएल एंड डी1 डायोड और बेटा डी2 डायोड इन सबको देखें तो दीस आर और दिस इज द पार्ट ऑफ योर कम्यूटेशन सर्किट, this is the part of your commutation circuit. तो commutation circuit बेटा आपको इसमें 2 जगह दिखेगा, let me mark it okay, ये एक commutation circuit का part है बेटा और ये part भी किसका है, commutation circuit का part है okay, so this is your commutation circuit. Now rest क्या है, rest your बेटा DC to DC converter, rest क्या है बेटा, rest is your DC to DC converter, hopefully the things are clear. तो अब इसमें मैं mark नहीं कर रहा हूं, आप समझ गए okay. चलिए तो जैसे कि हम लोगों ने वोल्टेज कम्यूटेशन की कहानी को आगे बढ़ाया था, वैसे ही हम लोग इसकी स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। तो पहला पॉइंट लिखते हैं बेटा, लेट अस अज्यूम ओके, यहीं से शुरू कर देते हैं, इट इज टाइप बी कम्यूटेशन ओके। तो इसको ऐसे लिख देते हैं बेटा, इट इज टाइप बी कम्यूटेशन, टाइप बी इज ऑल्सो कॉल्ड बेटा सम टाइम क्लास बी ओके, क्लास बी और करेंट कम्यूटेशन
or current commutation is very useful, in traction system or electrical traction system. Okay, it's very useful. Okay, now we will see sometime later, beta, advantage of current commutation over the voltage commutation and drawback of current commutation over the voltage commutation. So it will be the last part. Okay, पहले हम लोग analyze कर लें कि current commutation मास्टर जी होता क्या है, उसके बाद हम comparison करेंगे of the voltage commutation and current commutation. Okay, so how we can do analysis of this current commutation chopper? Now, my dear friend, I just want to tell you, yeah, all the devices, whatever we are using here, we can assume ideal one, because with practical devices, analysis is really not so easy. And I think, मेरे बस की बात नहीं है बेटा, इतनी सारी switching introduce करके दिखाना, okay? For that, we require definitely MATLAB, okay? Sir, दूसरा point समझते बेटा, एक तो point ये हो गया कि all the devices are ideal, and second point बेटा, all elements are also ideal, and another point, load current is constant, because if our load current having repel, then again we are having some problem to draw the different type of devices current and to provide the commutation as well. Okay, तो हम कुछ assumption लेने जा रहे हैं, just voltage commutation में लिए थे, सारे devices भैया क्या है, ideal है sir, all the elements are also ideal, and load current is constant. इसी base पे आपको question भी देंगे. Okay, जरा consider करते हैं. So next point I want to write here. Let us assume all devices and elements are ideal. All devices and elements are ideal. Okay. चलिए इतना point अगर clear हो गया तो अब एक बार और लिख देते बेटा, and load current is constant. अगला पॉइंट और लिख देते हैं, लोड करेंट I not is, we assume that is constant, that means ripple free. So that beta analysis हम लोग इसको analysis wise हम लोग इसको easy कर सकते हैं. तो इतने पॉइंट क्लियर हो गए. Now my question is raised here again बेटा, why it is called current commutation. तो उससे पहले हमें यह समझना पड़ेगा सर, इन द कम्यूटेशन सर्किट एज यूजुअल, और हम लोग बोल सकते हैं बेटा इन कंपेयर टू वोल्टेज कम्यूटेशन, इन द वोल्टेज कम्यूटेशन वी आर हैविंग ऑक्सिलरी एसीआर इंडक्टर कैपेसिटर एंड वन डायोड. सो हियर माय डियर फ्रेंड, वी आर हैविंग वन ऑक्सिलरी एसीआर इंडक्टर कैपेसिटर वन डायोड एंड वन अनदर एक्स्ट्रा डायोड. And another beauty or difference in between the voltage commutation and the current commutation is nothing, my dear friend. In the voltage commutation, L and C was not in directly series, okay? But here, they are directly connected in series, okay? Did you remember that one, beta? In the voltage commutation, C was present somewhere here, okay? And diode and inductor were present here. So that circuit is not going to be appear in the current commutation. So in current commutation, L and C are connected in series in this fashion. Okay, hopefully you are getting my point. So here again we have to assume, yeah, how we can turn off our conducting SCR. Okay, see, let us assume beta, our main SCR is already in conduction mode. We want to trigger our TM SCR at equal to zero. So this SCR TM will come into conduction in that fashion. So definitely freewheeling diode will not come into conduction. But after some time, we want to turn off, my dear friend, our SCR TM. And for that, we have introduced this commutation circuit. So what is the main purpose of your commutation circuit? It's nothing but to turn off your main SCR. Now, how we can turn off here with the help of commutation circuit? You will definitely tell, sir, out of this inductor and capacitor, one element must be initially energized. Okay, so definitely we don't want to maintain energy or stored energy through the inductor, because you know for that we require closed circuit. So for that purpose, or to ignore or to overcome this type of problem, we can maintain beta internal charge inside the capacitor. Okay, because capacitor does not require any open circuit. So similar to voltage commutation, in the voltage commutation, the moment at which you will trigger your SCRTM, before that your capacitor was already charged. Similarly here, my dear friend, before triggering your SCRTM, this capacitor must be fully charged, okay, whatever you require charge amount.
So this kind of stuff we can charge with the help of some series register and some VLEI. If you want, you can connect it. Okay, I'm not going to consider it. So now this capacitor we can charge with the help of the supply voltage via the help of again some resistance. Okay, so this capacitor initial voltage we want to consider exactly equal to supply voltage, but in examination maybe they can provide you same voltage VS, or maybe they can provide you some different voltage. Okay, so please keep this point in your mind. As I told you in the voltage commutation also, beta, initial charge of the capacitor or initial voltage of the capacitor is going to be play versatile role. Okay, if you are not getting my point, to aise samajhiyega ki agar hum capacitor current nikale in the voltage commutation chopper, to aapko yaad hoga, to that equation I have written, my dear friend, VC0 minus into under root C by L into sin omega t. Okay, I have mentioned VC0 minus equal to VS. So again, consider VS under root C by L sine omega dot T. So where you can write VS under root C by L sine omega dot T? Only when VC0 minus is equal to VS. If the VC0 minus is not equal to VS, then if you will consider again VS, then your answer will be wrong. So aapko ye sare points clear karke jaane hai before entering into the gate examination hall. ओके इसलिए मैं बार बार इस पॉइंट पे प्रकाश डाल रहा हूं, क्योंकि अगर गेट एग्जामिनेशन में बेटा प्रोफेसर केला और उसने सप्लाई लिख दिया 250 और कैपेसिटर का इनिशियल वोल्टेज लिख दिया 200 वोल्ट, बच्चे इतनी बुरी तरह मगप किए रहते हैं कि वो लिखेंगे ICT इक्वल टू VS अंडर रूट C / L और वो 250 ले लेंगे इन स्पाइट ऑफ 200 और क्वेश्चन हो गया गलत. तो आपको ये मिस्टेक नहीं करनी है. ओके, सो हियर आई जस्ट वांट टू टेल यू इनिशियल वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर VS. Okay, but in examination, that voltage can be lower than VS also. Or practically, a lower EU, around 70%, 30%, 40%, according to the commutation need. Bas, utna. Okay, chaliye, aage badhe is point ko leke. So, ek point aur hum likhte hain before analyzing this converter analysis. I just want to write here, initial current of inductor is, my dear friend, 0 ampere. So, that means inductor is initially uncharged, but VC0 minus capacitor voltage beta VC0 minus is VS. Hopefully you are getting my point. Already your capacitor is charged. So ye do point hume aur chahiye ki sir, initial current of inductor is 0 but initial voltage of capacitor is not 0. Okay, now we want to trigger this SCRTM at equal to 0 aur fir hum dekhenge ki hamara commutation circuit apne SCRTM ko kab off karta hai. Okay, aur kitna time lega. Ab aap kahenge sir time to hum decide karenge, L and C values will decide finally commutation time. So we will see ki kaise aage padhe. Okay, चलिए तो फिर से एक बार समझते हैं स्टोरी को बिल्कुल शुरू से. जब भी सर हम ऐसे सर्किट देखेंगे, ये सर्किट डिजाइन करना बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, एनालिसिस करना भी उतना ही कॉम्प्लेक्स है. ओके, तो यहाँ पे ये समझो बेटा कि सर हम करेंट कम्यूटेशन ऐसा ही क्यों डिजाइन किए, तो इसके लिए हमें दो तीन पॉइंट पे बात करनी पड़ेगी. ओके, और नो डाउट हम डिजाइनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं करेंगे. अगर हम स्टेप बाय स्टेप समझे तो हम शायद डिजाइन भी कर दें, बट अब हम डिजाइन नहीं कर रहे हैं. ओके, हम सिर्फ ये समझ रहे हैं कि इस टाइप का सर्किट क्या होता है, करेंट कम्यूटेशन सर्किट होता है. इस करेंट कम्यूटेशन सर्किट में ऑलरेडी योर कैपेसिटर क्या होगा बेटा, चार्ज होगा. और यही से हम एक कंसेप्ट निकालते हैं कि व्हाई इट इज कॉल्ड करंट कम्यूटेशन चॉपर. व्हाई प्रीवियस वन वाज कॉल्ड बेटा वोल्टेज कम्यूटेशन, बिकॉज SCR वाज कम्यूटेटेड बाय नेगेटिव वोल्टेज फ्रॉम द चार्ज कैपेसिटर. ओके, और फ्रॉम द प्रीवियसली चार्ज कैपेसिटर वी कैन सी बेटा. सो ड्यू टू दैट रीजन टाइप डी इज ऑल्सो कॉल्ड वोल्टेज कम्यूटेशन एंड टाइप बी इज करेंट कॉल्ड करेंट कम्यूटेशन. सो ऑब्वियसली अवर मेन SCR विल कम्यूटेटेड बाय नेगेटिव करेंट एंड फ्रॉम वेयर, ऑब्वियसली आर फ्रॉम चार्ज कैपेसिटर. ओके, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड करेंट कम्यूटेशन. तो एक पॉइंट देखते बेटा, इन दिस सर्किट वो दिया जाए बेटा, सर्किट और चॉपर व्हाटएवर, इन दिस सर्किट our main SCR TM is commutated, our main SCR TM is commutated by beta negative current from a charged capacitor. From a charge capacitor. And now main SCR is commutated by negative current. So that's why it is called beta current commutated chopper. Okay, इसको हम bracket में बंद कर देते हैं. That's why it is called current commutated chopper. Current commutated
current commutated chopper. Hopefully, beta, this thing is clear. Current commutated chopper. So how we can analyze? See here. अगर हम बेटा ऊपर वाले सर्किट पे आप एक कैपेसिटर को देखें तो देखो कैपेसिटर ऐसे दिया गया है बेटा, ऑलरेडी चार्ज है इस पोलैरिटी के साथ Vs, एंड दिस Vs इज नथिंग बट बेटा वी हैव अस्यूम दैट इनिशियल वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर, एग्री ना? देखो अब अगर कैपेसिटर ऐसे चार्ज हुआ है तो व्हाट विल बी द चार्जिंग करंट ऑफ कैपेसिटर बेटा, IC इज दिस वन, सो दिस डाउनवर्ड डायरेक्शन, ओके प्रॉपर्ली यार, दिस डाउनवर्ड डायरेक्शन इज द चार्जिंग करंट, सो आई जस्ट वांट टू टेल यू बेटा दिस इज द चार्जिंग केस ऑफ कैपेसिटर, charging case of capacitor. Also, when current is flowing, let us assume that this terminal is A and B. So, when this current is going to be flow A to B. So, now this current will consider positive. So, I just want to tell you that IC is greater than 0. IC is greater than 0. Hopefully, you are getting my point. Now, अगर यही same capacitor discharge होना शुरू करे, तो IC क्या होना चाहिए? Negative. जैसे कि काफी बार हम लोगों ने यार डिस्कस किया, सो इफ द चार्ज कैपेसिटर बेटा सेम, दिस चार्ज कैपेसिटर बेटा सेम इज गोइंग टू बी डिस्चार्ज, ओके, सो नाउ द पोलैरिटी ऑफ कैपेसिटर वोल्टेज कैन नॉट चेंज सडनली, बट द करंट थ्रू दिस कैपेसिटर माय डियर फ्रेंड इज विल चेंज, सो दिस इज द न्यू IC, सो दिस इज द चार्जिंग, दिस वन इज द डिस्चार्जिंग करंट, ओके, this is the discharging current. So initial voltage again I just want to write VC 0 minus. Okay, whatever voltage we have taken from our own. So this A मान लिया, ये B मान लिया. Now if the charge capacitor beta is going to be worked now as a source, so direction of current will change. So now this thing we can write beta discharging case of capacitor. So somewhere here beta IC will be less than 0. So यहाँ पे IC और VC दोनों positive होंगे. That means capacitor will store energy and here beta capacitor will deliver energy. So here capacitor will behave as a load. Here capacitor will behave as a source and our main SCR is going to be turned off due to charge capacitor, not due to inductor. I repeat, okay, so this is the point. So these two points also you have to keep in your mind. ठीक है बेटा, ये charging case और ये discharge. Clear? इतनी बातें पहले समझ लो. This is the basic of your current commutation. This is the standard circuit of your beta current commutation. We have taken some assumption where we can use this current commutation generally in electrical traction system. And let us assume all elemented devices are ideal. As well as beta G, we have assumed that load current is constant. Okay, hopefully you are getting my point. Now, initially your capacitor is charged, but inductor is uncharged. And why this commutation is called beta current commutation? Because it is going to be commutated by negative current from a previously charged capacitor. And here, beta charging and discharging case of capacitor, you can easily understand. Okay. यहां तक क्लियर है, अब आगे बढ़ते हैं, ओके? तो ये तो एक बेसिक नहीं होता, एक बेसिक या एक बेस तैयार करना करंट कम्यूटेशन के लिए, अब आगे बढ़ते हैं, ओके? सो नेक्स्ट पॉइंट बेटा आई जस्ट वांट टू डिस्कस विद यू, जस्ट गिव मी फ्यू सेकंड्स, ओके? तो मैंने यहां आपका टाइम सेव करने के लिए कुछ स्टैंडर्ड सर्किट बना के पहले ही से रखे हुए हैं करंट कम्यूटेशन के, ताकि हम लोग अच्छे से खेल पाए. और यही कारण था बेटा कि मैं इस लेक्चर को आपके लिए रिकॉर्डिंग फॉर्म में लाया, सीरियसली ट्रस्ट मी. मेरा मेन ध्येय क्या था बेटा, मुझे पता है लाइव में आप इतना टाइम दे नहीं पाते क्योंकि लेंथी टॉपिक है यार, ओके, शायद मुझे रिकॉर्डिंग फॉर्म में दो घंटे लग जाए तो लाइव सेशन में आप समझ ही सकते हैं कितना टाइम लगेगा. सो दिस इज द अगेन स्टैंडर्ड सर्किट ऑफ योर करंट कम्यूटेशन. आप जरा ध्यान से समझना बेटा मैं क्या कहना चाह रहा हूं. अगर हम लोग अपने बेटा कम्यूटेशन सर्किट को बाहर निकाल लें, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, सो दिस इज बेटा दी अवर कम्यूटेशन सर्किट, एग्री करते हो? इतना पार्ट क्या हो गया बेटा, कम्यूटेशन सर्किट, ऐसे करते हैं. This is our commutation circuit. Okay. और इसके अलावा बेटा ये भी क्या है, कम्यूटेशन सर्किट का पार्ट. तो ये जो ग्रीन कलर पार्ट है, this is nothing but बेटा कम्यूटेशन सर्किट पार्ट. This green color part is nothing but बेटा कम्यूटेशन सर्किट पार्ट. ये सब कम्यूटेशन का पार्ट. Okay. Main कम्यूटेशन सर्किट is this one, और इसका एक और पार्ट यहाँ है. So this is called बेटा कम्यूटेशन सर्किट. ये पूरा एक ही सिस्टम है. This is called बेटा कम्यूटेशन सर्किट. ओके, कम्यूटेशन सर्किट. अब यार कम्यूटेशन सर्किट को आप थोड़ी देर के लिए बेटा डिस्कनेक्ट कर दो. देखो ऐसे इसको भी हटा दो और इसको भी हटा दो बेटा, यहां से इसे भी हटा दो, इसे भी हटा दो. अब आप पिक्चर देखो बेटा, सप्लाई वोल्टेज, SCR, डायोड एंड दिस. अब बताओ नेम ऑफ द चॉपर, इट इज नथिंग बट स्टेप डाउन. ओके, यानी कि सर आप एक मतलब हम लोगों को उलझन में डाल दे रहे हो. आप ना टाइप ए बी सी जो भी बात की है वो टाइप ए तो खैर सर हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहा. ओके, बाद में देखते हैं. जैसे हम लोगों ने और भी बहुत सारे पॉइंट टाइप ए में बात की, क्योंकि टाइप ए में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है बेटा, वी आर नॉट यूजिंग फ्री व्हीलिंग डायोड एंड सो वेरी स्टैंडर्ड सर्किट इज वैलिड ओनली फॉर रजिस्टर्ड लोड. हमारे काम का मेनली है सर टाइप बी और टाइप डी, यानी वोल्टेज कम्यूटेशन और करेंट कम्यूटेशन.
पर सर जितना हम लोग फील किए हैं, तो वोल्टेज कम्यूटेशन में भी आपने स्टेप डाउन लिया था और करेंट कम्यूटेशन में भी आप स्टेप डाउन चॉपर ही ले रहे हो, तो क्या स्टेप अप और बक बूस्ट के लिए नहीं होते? होते हैं बेटा, बट इतने कम्यूटेशन पढ़े कैसे, इसलिए अपने लिए लिमिटेड कम्यूटेशन सर्किट रख दिए गए। ओके, इस एक कम्यूटेशन सर्किट को डिजाइन करने में 4 से 5 साल लगे थे और ये डिजाइन किया था बेटा हिटैची जापान की कंपनी ने। ओके, तो आप समझ सकते हैं, तो हम लोगों से स्टैंडर्ड बेसिस 2 से 3 कम्यूटेशन पूछे जाते हैं और ये सारे के सारे कम्यूटेशन जो आपसे पूछे जाते हैं जनरली दे विल इंट्रोड्यूस इन द स्टेप डाउन चॉपर। ओके, ताकि एनालिसिस थोड़ी सी अपने लिए आसान रहे और कोई इसका कारण नहीं है। ओके चलिए, तो फिर सो इसका मतलब बेटा ये लेस चॉपर सर्किट क्या हो गया, स्टेप डाउन। ओके, सो द मेन सर्किट इज बेटा स्टेप डाउन चॉपर, प्लीज माइंड इट। सो यहां स्टार करके लिख देते हैं, द मेन सर्किट इज स्टेप डाउन चॉपर। होपफुली यू आर गेटिंग माय पॉइंट। सो द मेन सर्किट इज बेटा स्टेप डाउन चॉपर सिमिलर टू वोल्टेज कम्यूटेशन। इतनी बात क्लियर है? अब आप बताओ बेटा कम्यूटेशन सर्किट की नीड कब पड़ेगी? सर पहले एचसीआर को ऑन तो करो भाई, मेन एचसीआर को ऑन करो तभी तो कम्यूटेशन सर्किट की नीड पड़ेगी। तो मैंने कहा ठीक है, तो एक काम करते हैं बेटा, लेट अस अज्यूम, पहली बार हमने सिस्टम उठाया है तो ऐसे कर देते हैं, लेट अस अज्यूम एचसीआर टीएम हमें नहीं पता कम्यूटेशन सर्किट में कौन कहां कैसे ऑन होगा। अब आपको बस इतना ध्यान रखना है एससीआरटीएम को ट्रिगर किया, ये ऑफ होना चाहिए, उसके बाद फ्री व्हीलिंग डायोड ऑन होगा और उसके बाद अगर आप कंटिन्यूअस कंडक्शन रखते हैं तो फिर से टीएम ऑन होगा। यानी कि एक साइकिल की एनालिसिस पूरी करनी है। अब कितने डिवाइसेस इसमें, देखो 1 2 3 4 5, तो कम से कम 4-5 इंटरवल या केसेस तो बनेंगे ही यार। जैसे बेटा टीएम ऑन, उसके साथ क्या ऑन, नहीं ऑन तो अगले पीरियड में क्या ऑन, फिर क्या ऑन एंड सो ऑन, तो ऐसे डिफरेंट केसेस हमें बनाने पड़ेंगे। ओके, सो नाउ वी वांट टू कंसीडर अवर केस नंबर 1 इन व्हिच अवर एससीआरटीएम इज ऑलरेडी ऑन बिकॉज़ वी हैव ट्रिगर्ड दिस एससीआर। ओके, सो नाउ माय डियर फ्रेंड, केस नंबर 1 वी वांट राइट हियर। ओके चलिए शुरू किया जाए। तो केस नंबर 1 बेटा, केस नंबर 1 इन द रेंज ऑफ 0 टू टी ऑन, इन द रेंज ऑफ बेटा 0 टू टी ऑन, ट्राई टू अंडरस्टैंड, हियर ऑलरेडी एससीआरटीएम इज ट्रिगर्ड बेटा, तो एससीआरटीएम क्या हो चुका है ऑन। आप कहेंगे सर आपने एससीआरटीएम को ट्रिगर कैसे कर दिया, क्या आपने ये प्रूफ किया कि ये फॉरवर्ड बायस है? हाँ बेटा, देखो पहली बार सिस्टम को ऑन कर रहे हो तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड यार यहां तो लो वोल्टेज होगा और यहां से बीएस पहुंचा तो टीएम इज ऑन। सो आवर फर्स्ट अजम्पशन इज दैट बेटा एससीआरटीएम इज ऑन, एग्री ना, एससीआरटीएम इज ऑन। ओके, सो 0 से T1 में हमने ये बोला बेटा एससीआरटीएम इज ऑन, अब रेस्ट ऑन रहेंगे नहीं रहेंगे भगवान जाने, अब वो कौन बताएगा मैं, केवीएल केसीएल एंड ओम्स लॉ। तो पहले इतनी चीजें समझ लीजिए, धीरे धीरे फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, तो केस वन क्या होगा बेटा, अब इस केस वन पे देखते हैं। तो 0 से T1 के बीच में हमने मान लिया एससीआरटीएम इज ऑन, आगे बढ़ते हैं, एससीआर सर टीएम ऑन है तो बचे हुए एससीआर का डायोड क्या होगा? तो जैसे यार एक डायोड ये अपने पास और आ गया, इसको पहले हम लोग सही कर देते हैं। तो अगर अब मैं आपसे पूछूं बेटा क्वेश्चन, छोटे छोटे से बिल्कुल प्यारे से क्वेश्चन, कि यार अगर बेटा आपसे मैं ये पूछूं कि जब टीएम ऑन है तो और कौन सा एसआर या डायोड ऑन हो सकता है, तो इसको समझने के लिए बेटा हम लोग यहां पे आ जाते हैं, लेट मी कॉपी दिस वन। आगे बढ़े, ठीक है बेटा, ओके लगे, चलिए शुरू करते हैं बेटा। तो सबसे पहले ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखते हैं, तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड यहां पे कितना वोल्टेज होगा, आपने कहा सर वीएस, and now बेटा here बेटा is nothing but output voltage, so V naught. Now see बेटा this is some positive yeah, and input equal to output now because this TM is on, so short circuited. So V naught is nothing but बेटा V S in this range. Okay, इतनी बात clear है?
अब यार वही पुराने तरीके बेटा, एक एक करके अप्लाई करो और फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए तो मेरा पहला क्वेश्चन आप सभी से ये है बेटा कि अगर हम लोग यहाँ पे देखें, बहुत ध्यान से समझना, अगर हम लोग केबीएल लगाएं, लेट मी सेलेक्ट सम डिफरेंट कलर, ओके, सो व्हेन टीएम इज ऑन, ओके, टाइट ऑन दिस, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दिस थिंग विल हैपन, सो ऑब्वियसली फ्री व्हीलिंग डायोड विल गारंटेड ऑफ, ये तो लिख ही सकते हैं ना, सो व्हेन टीएम इज ऑन, ओके, गारंटेड बेटा फ्री व्हीलिंग डायोड विल बी ऑफ, एग्री ना, फ्री व्हीलिंग डायोड विल बी ऑफ। अगले पॉइंट पर आओ यार, अगर बेटा हम इसमें केबीएल लगाएं तो देखो इस तरीके से है, और ये डायोड कैसा लगा था, यानी कि दिस साइड एनोड बेटा, दिस साइड कैथोड, ओके, आप चाहे तो सर्किट फॉलो कर लीजिए, ओके, तो जैसे मैं एक सर्किट लाता हूं, देखें वही है अपने पास, हाँ ये नहीं बेटा ये कुछ दूसरा है, ओके, तो इस सर्किट को मुझे लाना पड़ेगा आपको समझाने के लिए, और यहां से हम समझ के आगे बढ़ते हैं, ओके, कि कौन सा डिवाइस ऑन होगा और कौन सा नहीं होगा, ठीक है। इसको भी हम लोग बगल में रख लेते हैं, एक दो सर्किट के बाद आपको सर्किट ही रिमेंबर हो जाएगा कि किस टाइप का है, जस्ट गिव मी फ्यू सेकंड्स, तो ये यहां रखा जाए, है ना, यहां रख लेते, तो चलिए देखिए यहां पे D2 ऐसे कनेक्टेड है बेटा, इस प्रेशर में कनेक्टेड है, तो इस साइड एनोड, इस साइड कैथोड, इसका मतलब सर अगर हम यहां पे देखें तो इस साइड एनोड, इस साइड कैथोड, अब इसी में KVL लगा देते हैं, और इस मैश को बोलते हैं बेटा वन मैश, ओके, सो KVL इन मैश वन, आराम से सुनिएगा, है ना, लंबी कहानी है, KVL इन मैश वन, सो KVL इन मैश वन व्हाट सेज दैट बेटा, इट सेज दैट कि अगर हम इसके अक्रॉस कोई वोल्टेज मान ले V of D2, this side positive, this side negative, और KVL लगाए तो देखो यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो गया, जीरो, यानी कि कोई वोल्टेज ही सर डेवलप नहीं हुआ, और अगर कोई वोल्टेज डेवलप नहीं हुआ तो एक बात यूजुअल है, असल बेटा क्या बोलते हैं, यूजुअली हम कह सकते हैं इज नथिंग बट कि अगर यहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं है, यहाँ भी VS है, वहां भी VS है, ऑलरेडी डायोड ऑफ था, तो अभी भी क्या रहेगा, ऑफ, बिकॉज नथिंग और नो पॉजिटिव वोल्टेज इज गोइंग टू बी जनरेट अक्रॉस डायोड D2, सो व्हाट वी कैन से, राइट बेटा, KVL in mesh 1, so V of D2 is equal to 0 volt. Okay, and for the triggering, for the condition of D2, we require some positive voltage, not 0, na? So that's why D2 will not conduct. So V D2 equal to 0, so beta, D2 will be off. So beta, D2 will be off. That means it will not conduct. So two things we have proved, beta, D2 will not conduct and free wheeling diode will not conduct. Now here, if we put KVL in this, see, इसमें केवीएल लगा इस वाले लूप में, इन कलर से, सॉरी ग्रीन कलर ही ले लेते बेटा, ग्रीन कलर से इस वाले लूप में केवीएल लगाए, ये ऐसे आउटर लूप में, इसको सेकंड बोल देते हैं, ध्यान से समझिएगा बेटा, दिस डायोड इज कनेक्टेड इन दैट फैशन, ओके, सो एनोड बॉटम वन, दिस इज एनोड, दिस इज कैथोड बेटा, और इसको हम बोल देते हैं प्लस माइनस वी ऑफ D1, ठीक है ना, अब आउटर लूप में लगाओ तो जीरो प्लस वी एस, देन इंडक्टर इज अनचार्ज, अभी कोई वोल्टेज नहीं है, तो बेटा जीरो एंड देन प्लस वी डी वन, तो क्या लिखेंगे, प्लस वी एस प्लस वी डी वन इक्वल टू जीरो, सो बेटा केवीएल इन मैच टू, ध्यान दें हर बात पे, केवीएल इन मैच टू, सो केवीएल इन मैच टू सेज दैट बेटा वी ऑफ D1 इक्वल टू माइनस ऑफ वी एस, एग्री ना, V of D1 equal to minus of Vs, that means diode is going to be blocked negative voltage, so therefore beta diode D1 will also be off, ये भी क्या रहा, off, यानी कि sir diode D2 off, D1 off, free wheeling diode off, पहले केस में, जब SCR TM on है, तब, दूसरे केस में आओ, इस वाले में देखो बेटा, इस SCR का वोल्टेज क्या होगा, थोड़ा यार ध्यान रखना पड़ेगा, है ना, चीजों को समझने के लिए, now बेटा, if we will apply KVL, in this particular mesh, okay, this is third mesh, I just want to tell you, third mesh, okay, so देखो, minus Vs plus VTA is equal to 0, I repeat, minus Vs plus VTA equal to 0, if the SCRT is not going to be triggered, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं सर, Vs, बहुत ध्यान समझना, एक सेकंड बेटा, ये लिख देते हैं KVL, so KVL in beta mesh, KVL in mesh third, so what will be this equation beta, VTA, please mind it, VTA is equal to beta positive Vs, so we can say beta TA is forward bias, TA kya hai, forward bias, so if we want we can trigger, if we want beta we can trigger, hopefully the things are clear, agar hum chahein to hum isko on kar sakte hain, acha on karne ka fayda hoga ki nahi hoga wo hum baad mein dekhenge, okay, so ye raha TA forward bias, D1, D2 and free wheeling diode are reverse bias, so they will not conduct. यानी कि जब TA on होगा, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा एक डिवाइस को और ट्रिगर कर सकते हो. At the name of this device is nothing but TA. आपके सामने पूरी क्लैरिटी रहेगी. Okay? अब हम ये कहना चाह रहे हैं बेटा. At T equal to zero, हमें ने मान दिया बेटा. Let at T equal to zero,
SCRTA, that means auxiliary SCR, SCRTA or auxiliary SCR, ऐसे लिख देते बेटा, auxiliary SCRTA is triggered, इसको भी ट्रिगर कर दिया बेटा, SCRTA is triggered, so बेटा, SCRTA will on, so SCRTA will on, अब इस सर्किट को हटा देते हैं, इसकी नीड तो है नहीं हम लोगों को, ये तो बस समझने के लिए लाए थे, so SCRTA is on, now बेटा, we want to just say कि SCRTA अगर on हो गया, तो इसको भी हमने on कर दिया, और rest क्या हो गई off, अब rest क्या हो गई off, समझ लो बात, sorry, rest क्या हो गई बेटा off, okay, चलिए ये केस मान चलना है, अब बेटा इसी में ना अगर हम लोग थोड़ा सा इसको साफ बना देते हैं क्योंकि एनालिसिस थोड़ी ज्यादा हो जाएगी अपने पास मैथ फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड हमने मैथ आई थिंक फर्स्ट बेटा ये लिया था इधर वाला मैथ फर्स्ट बेटा हम लोगों ने ये लिया था आई थिंक दिस वन ये मैथ फर्स्ट था और ये वाला बेटा मैथ सेकंड था ऐसे करके ठीक है और ये वाला जो इनर मैथ बेटा वो हमने था ये करके ये कुछ नाम लिख देते हैं So this is mess one. Okay, एक प्रॉब्लम आ जाएगी बेटा हम लोग ऐसे नहीं करते क्योंकि ये डिस्टर्ब हो जाएगा बाद में तो ये हो गया बेटा mess one in this fashion mess one और इस कलर आगे हैं और ये हो गया बेटा mess third इस fashion में mess third और एक और ग्रीन कलर से ले लेते हैं ये हो गया बेटा mess third ये वाला लिया this is mess And this one is beta mass second. Red one is mass second. Red one is mass second. ये रही कहानी थोड़ी क्लियर पिक्चर अपन गई अब आगे बढ़ने वाले इसी को ध्यान में रखते हुए Now in this zone beta we have to determine all the components or like all the components जैसे जितने भी SCR और diode हैं उनकी current और voltage साथ में beta load का voltage and load की current इन सब के बीच में एक relationship हमें develop करनी पड़ेगी So now beta after this discussion we can write few things by KKO आप लोग help करते रहो मेरी कमेंट बॉक्स पर चलते रहना चाहिए आंसर यार आपकी साइड से आप देख रहे हैं किस लेवल की मेहनत है सो भाई के व्हाट वी कैन राइट बेटा बहुत ध्यान से एक एक पॉइंट कैरी करो देखो यहां से अगर केवीएल आउटर लूप में लगाएं या ग्राउंड से देख रहे तो एक ही बात है यार वी नॉट की वैल्यू क्या होगी बेटा वीएस हटा इस पॉइंट को देखो आउटर लूप में केवीएल लगा दो सो भाई के वो वी कैन राइट बेटा वी नॉट इक्वल टू वीएस इस फर्स्ट इक्वेशन ना बेटा देखो आई नॉट करेंट ऐसे फ्लो हो रही है तो आई नॉट और आईएस दोनों क्या हो गए इक्वल सो आई नॉट एंड आईएस विल बी इक्वल पहला पॉइंट नाउ अगले पॉइंट पे चलते हैं बेटा देखो यार ये तो ओपन है ये भी ओपन है और वो भी ओपन है तो क्या हम ये नहीं सकते सिंपल यार क्या हम ये नहीं कह सकते बेटा दिस करंट बेटा आईटीएम दिस करंट आईटीएम इज बेटा इक्वल टू आईएस और आई नॉट सो व्हाट वी कैन राइट बेटा एससीआर आईटीएम करंट मेन एससीआर करंट इज नथिंग बट आई नॉट आपको कुछ याद है वोल्टेज कम्यूटेशन में ये आई नॉट नहीं था आईटीएम वहां था आई नॉट प्लस इनिशियल वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर अंडर रूट सी बाई एल जबकि यहां पे क्या है सिर्फ आई नॉट यही तो बेनिफिट है वी विल सी ओके सो एक करंट हमने निकाली बेटा एसआर करंट एंड दिस इज नथिंग बट आईटीएम इक्वल टू आई नॉट प्लीज कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड ओके आगे बढ़ते हैं चलिए सर आईएफडी आईडी1 और आईडी2 ऑल करंट्स आर जीरो तो अगला पॉइंट हम लिख देते हैं सर आईएफडी इज इक्वल टू आई नॉट इज इक्वल टू आईडी1 is equal to beta id2 okay sorry not ifd is equal to beta id1 ifd is equal to beta id1 or id2 is equal to beta 0 ampere because they are off okay is equal to 0 ampere beta because they are off chalo aage badhte hain next point samjhiye What will be the freewheeling diode voltage beta? If we want to calculate, it's nothing but beta output voltage. बस polarity का चक्कर है. तो आप लिख सकते हैं बेटा कि यहाँ पे सर V of FD एक ही बात को समझते हैं ना. V of FD is minus of Vs because V not equal to Vs. Okay? Now बेटा VD1, VD2 and this one बेटा VFD ये सब हो गया. अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे आइए देखिए ध्यान से समझना बेटा यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं होगी यानी कि अगर SCRTA को ट्रिगर कर दिया तो ये चार कैपेसिटर और इंडक्टर दे आर कनेक्टेड इन सीरीज ऐसे देखो बेटा दे आर कनेक्टेड इन सीरीज यू आर गेटिंग माय पॉइंट सो हियर बेटा वी कैन से आवर SCR व्हेन वी विल ट्रिगर बेटा SCRTA
So this, due to this thing, beta, as you have to see, this uncharged inductor is connected with charged capacitor. So this charged capacitor is going to be give power or energy to uncharged inductor. This is nothing but beta, second order undamped system. So this is what we have to handle. Deal karna padega. इससे देख लेते ओके क्लियर बेटा इतनी बात ना अब हम बात कर रहे हैं ऑक्सिलरी एससीआर और इस मैश की ओके तो अगला केस कर दिया बेटा ऑक्सिलरी एससीआर करंट यहां लिखते बेटा ऑक्सिलरी एससीआर करंट और कैपेसिटर करंट और बेटा कैपेसिटर करंट और बेटा इंडक्टर करंट कुछ भी इनमें से पूछा जाए तो एक ही बात ऑक्सिलरी एससीआर करंट और कैपेसिटर करंट और बेटा इंडक्टर करंट भी इनमें से पूछा जाता मतलब एक ही बात है इसको हैंडल करने के लिए इसको डील करने के लिए बेटा हम अपने ऊपर वाले सर्किट को यहां उठा तो वी आर हैविंग सम चार्ज कैपेसिटर इन दिस फैशन बेटा देन ऑक्सिलरी एससीआर इज ऑन एंड समवेयर हियर माय डियर फ्रेंड वी आर हैविंग वन इंडक्टर ये हो गया ओके ये वाला सर्किट सिंपल यार देखो ये वाला सर्किट और जो बेटा आउटर लूप है वो आपस में इंटरकनेक्टेड नहीं है ये एक हैंगिंग वायर है और हैंगिंग सर्किट है जिसका इसमें और इसमें कोई रिश्ता नहीं है बिकॉज नो करंट इज गोइंग टू बी लाइक कंट्रीब्यूट ऑफ सेकंड सर्किट टू फर्स्ट सर्किट और फर्स्ट सर्किट टू सेकंड सर्किट दैट्स व्हाई ओके तो इस वाले लूप को हमने उठाया और यहां चिपका दिया नाउ बेटा यू नो वेरी वेल यार इनिशियली कैपेसिटर इज चार्ज बाय दिस वे एंड दिस वोल्टेज इज नथिंग बट वी हैव अज्यूम्ड दैट बेटा बीसी जीरो माइनस वेयर बीसी जीरो माइनस इज नथिंग बट वीएस Now see beta, agar auxiliary SCR on hoga, to obviously beta ITA current will flow, ITA current beta will flow from anode to cathode, yeah, this side anode, this side cathode. To iska matlab beta capacitor to isi way se discharge hoga, aur waise bhi aise hi hona chahiye tha. Yani ki sir, ye jo capacitor current hai IC, that will flow in this fashion. And only capacitor or charge capacitor will behave as a source. So now beta, this charge capacitor will deliver energy to the inductor. And it is nothing but again beta, second order undamped system जो हमने basics of commutation circuit में सीखा था so second order beta undamped system second order undamped system clear ना now in this case beta we don't have any independent supply so what will be the response of current do you remember that thing तो अगर हम सर रिस्पॉन्स ऑफ करेंट की बात करें तो ICT और बेटा ILT और बेटा या एक काम करते हैं हम ILT को अलग से लिखते हैं तो ILT इंडक्टर करेंट और बेटा ऑक्सिलरी SCR करेंट ITAT इज नथिंग बट कुछ याद करो हम लोग डिस्कस किए थे VC0 माइनस अंडर रूट C बाय L इनटू बेटा sin ओमेगा नॉट T ये रिस्पॉन्स आएगा काफी बार डिस्कस किए हैं ये रिस्पॉन्स आएगा बेटा इंडक्टर करंट और ऑक्सिलरी एससीआर करंट बिकॉज़ इंटायर सर्किट इज कनेक्टेड इन सीरीज नो बेटा दिस इज द रिस्पांस ऑफ करंट ओके और इसको हम देखें तो ऑब्वियसली सर ये अनडैम्प्ड है तो सारे शॉर्टल ही आना चाहिए इस टाइप का एंड प्लस बेटा ओमेगा नॉट की वैल्यू हो जाएगी वेयर ओमेगा नॉट इज नथिंग बट वी हैव ऑलरेडी टाइप दिस थिंग अंडर रूट एल बाय सी रेडियन पर सेकंड ओके एक केस हुआ अब यार ये देखो बेटा अगर पहले कैपेसिटर चार्ज हुआ होगा तो इनिशियल कैपेसिटर करंट क्या होगी डाउनवर्ड और ये क्या है अपवर्ड सो दिस इज द डिस्चार्जिंग करंट सो हियर कैपेसिटर इज गोइंग टू बी डिस्चार्ज तो ये क्या हो रहा है बेटा कैपेसिटर इज गोइंग टू बी डिस्चार्ज सो आईसी विल बी नेगेटिव एज वी डिस्कस अर्लियर सो आईसी की अगर हम बात करें बेटा तो कैपेसिटर करंट इज नथिंग बट माइनस ऑफ वीसी जीरो माइनस अंडर रूट सी बाई एल साइन ओमेगा नॉट टी Why we are using beta negative sign? Because this capacitor is going to be discharged or will work as a source. Okay, so the main purpose to introduce negative sign here is nothing but capacitor will behave as a source. Okay, so here capacitor negative sign indicates that indicate direction of current. Indicate direction of current beta when capacitor is going to be discharge when capacitor is going to be discharged so this is just direction of current negative otherwise koi meaning nahi beta isi baat bhi clear hai now what is second order undamped system beta l or c ke voltage equal honge to kya hum ye likhte hain beta vlt inductor voltage and vct capacitor voltage is nothing but vc0 minus into cos omega not t ye baat hai aapko beta voltage commutation circuit se bhi clear ye baat hai aapko beta voltage commutation circuit se bhi clear honge तो ये रही सारी कहानी ये रही सारी स्टोरीज ठीक है आगे बढ़े अब आप समझ सकते हैं क्यों मैं
कहता था बेटा कि यार कम्यूटेशन ऐसे नहीं है, आपको मैं फर्जी फने में एक एक दो घंटे में पढ़ा दूं, उससे क्वेश्चन नहीं होते हैं। अगर हमें बालक क्वेश्चन करने हैं तो थोड़ा सा हमें मतलब मेहनत करनी पड़ेगी, है ना, हमें चीजों को समझना पड़ेगा। सो नाउ दिस इज द केस वन डन फुली। तो अब हमें पता है कि ITA क्या है, इज नथिंग बट सर IC और ILT है। बस IC को हमें नेगेटिव में शो करना है, वेयर ILT और ITA विल बी पॉजिटिव वन, क्योंकि इनमें बेटा पहली बार करंट फ्लो होने जा रही है। बट कैपेसिटर ऑलरेडी चार्ज था तो अब डिस्चार्ज हो रहा है, दैट्स व्हाई वी हैव टू यूज नेगेटिव साइन। वेयर इज बेटा इट इज सीरीज ऑफ पैरेलल बोथ सर्किट बिकॉज सर्किट हैविंग ओनली टू एलिमेंट्स। So in this situation, inductor voltage and capacitor voltage both will be equal and are nothing but VC0 minus into cos omega naught t, where omega naught is nothing but beta 1 by under root LC. ये हो गया केस वन। अब इस केस वन के बेस पे हम कितने वेवफॉर्म किस इंटरवल तक ड्रॉ कर सकते हैं इसको हम समझते हैं। ओके, अपना इंटरवल क्या है बेटा, 0 से T1। तो 0 से T1 वाले केस को अगर हम वेवफॉर्म के उसमें बेस पे बेटा रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें तो आप मेरी हेल्प करो कैसे कैसे बनाएंगे। जैसे सर पहला सप्लाई वोल्टेज, सर सप्लाई वोल्टेज इज नथिंग बट, प्लीज यार थोड़ा सीरियस रहेंगे, थोड़ा मुझे कमेंट बॉक्स में हेलो हाय करते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि इस समय रात के 1:30 बज रहे हैं, खत्म करते करते ये सेशन शायद 4 बज जाएगा, क्योंकि एक साथ में तो नहीं, आप जानते हो हर आधे पौने घंटे में पॉज दूंगा मैं, फिर रिकॉर्डिंग स्टार्ट करूंगा। तो बस मैं ये चाहता था बेटा सीरियसली, लाइव सेशन में क्या है इतने बड़े टॉपिक में अकेले मन नहीं लगता है, ऐसे मुझे पता है कि आपको ही नहीं तो क्या करना। अब मैं आप सिद्ध से पढ़ा ले जाऊंगा आपको इतना बड़ा टॉपिक। ओके, इसके बाद लिखना आप कमेंट बॉक्स में, मुझे जरूर बताइएगा कि रियली आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा, है ना। चलो आगे बढ़े। सो दिस इज द बेटा इनपुट सप्लाई वोल्टेज, इनपुट सप्लाई वोल्टेज इज प्योर डीसी ना, सो दिस इज फिक्स्ड बेटा प्योर डीसी। अगले पॉइंट पे चले हम, तो करंट क्या है। अरे मास्टर जी क्यों घबराते हो, करंट तो सर आपने मानी है, आई नॉट इज प्योर डीसी, तो ये सर आई नॉट रहा। मैंने कहा ठीक है बेटा थैंक यू, ये रहा आई नॉट। तो ये हो गया बेटा VS एंड आई नॉट, इनको कर देते हम लोग फिक्स, ठीक है डन। आगे बढ़ते हैं, सर व्हाट विल बी द आईसीटी, व्हाट विल बी द आईसीटी और व्हाट विल बी द ऑक्सिलरी एससीआर करंट। तो अगर इन सारे पॉइंट्स पे बात करें तो धीरे धीरे हमारे पास शेप जो है बेटा वेवफॉर्म इस तरीके की है, तो बट एक कोशिश करते हैं अच्छी करने की इसको। तो अगर मैं ये करूं बेटा कि आईसीटी हम ड्रॉ करें पहले, ठीक है, तो आईसीटी ड्रॉ कर लेते हैं पहले। दिस इज बेटा कैपेसिटर करंट आईसीटी। आईसीटी करंट आपको कैसे दिखेगी सर, आईसीटी करंट विल स्टार्ट फ्रॉम नेगेटिव, आईसीटी करंट बेटा विल स्टार्ट फ्रॉम नेगेटिव and will be my dear friend sinusoidal like this। abhi mota moti aise bana sakte hain, ICT is nothing but beta sinusoidal current and will start from negative and like this, so this is the sinusoidal tentative fashion। baad mein dekhte hain kya hoga kya nahi hoga। okay, so iske peak value kya hogi beta, peak value kya hogi is nothing but minus VC0 minus under root C by L ampere is the peak current of, ye zero ho gaya। यहाँ पे टाइम लिखने से पहले हम थोड़ा सोच लेते हैं। ओके, आगे बढ़े। नाउ बेटा वी वांट टू डिस्कस माय डियर फ्रेंड आई ऑफ, सारे डिवाइसेस आपको ध्यान रखने पड़ेंगे एक एक करके, आई ऑफ बेटा दिस वन ITA, सॉरी ITM, ऑक्सिलरी SCR। अगर ऑक्सिलरी SCR की बात करें बेटा तो उसकी करंट हमें कैसी दिखेगी। ओके, देखो यार बहुत सारी वेवफॉर्म से, हर वेवफॉर्म पे हमें काम करना है, समझना है, तो थोड़ा समय तो लगेगा, है ना, थोड़ा टाइम तो लगेगा, तो इसको हटा देते हैं। नाउ वी हैव टू ड्रॉ बेटा आवर करंट ITM। ओके, सो मेन SCR करंट, सो बेटा ITM इन दिस केस क्या था, आपने ध्यान दिया हो, 0 से लेके T1। अब एग्जैक्टली T1 क्या होगा आई विल टेल यू। तो 0 से लेके T1 तक तो सर ये I नॉट ही है, यानी कि कांस्टेंट करंट है, तो बेटा हम लोगों ने इसे कांस्टेंट शो कर दिया, इज नथिंग बट I नॉट। ओके, और ये मैंने T1 माना है, क्यों माना है वी विल सी। तो ये हो गया बेटा I नॉट, ITM इक्वल टू मैग्नीट्यूड बाय I नॉट। यही पे अगर बेटा हम बात करें I of TA auxiliary SCR की, तो auxiliary SCR करें, आप कहेंगे अरे सर इसमें बिल्कुल परेशान नहीं हुई, it is sinusoidal, ITA, IL, IC all are equal, so that will be sir sinusoidal, okay sorry that will be sir sinusoidal like this। और सर इसकी करंट बहुत ध्यान से सुनिएगा, that will be sinusoidal। और सर इसकी पीक वैल्यू ऑफ करंट क्या होगी जो उसकी थी IC की, so it is nothing but master जी It is nothing but sir VC0 minus under root C by L ampere। ये सब ध्यान रखना, वहां पे auxiliary voltage commutation में auxiliary SCR current क्या थी बेटा I not, जबकि यहां पे auxiliary SCR current क्या है बेटा VC0 minus under root C by L sin omega not t। Now मेरे question है यार कि 0 से लेके T1 time period में आपकी अगर करंट sinusoidal पॉजिटिव है तो पाई के बाद तो नेगेटिव होगी, और जैसे ही पाई पे नेगेटिव होगी दुनिया की कोई ताकत ऑक्सिलरी एससीआर को ऑफ होने से नहीं रोक सकती।
सिंपल वे से यार, दुनिया की कोई ताकत बेटा ऑक्सिलरी एससीआर को ऑफ होने से नहीं रोक सकते, बिकॉज एससीआर आर यूनिडायरेक्शनल डिवाइस। सो व्हेन यू विल ट्रिगर एससीआर टीए बेटा, इनिशियली जीरो पे जब टीए को ट्रिगर किए तो टीए से ये करंट पास हो रही है, लेकिन पाई के बाद तो ये करंट नेगेटिव हो जाएगी, तो यही पे टीए को ऑफ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, दैट थिंग आई वॉन्ट टू आस्क। आप कहेंगे अरे सर क्या बात कर रहे हो, यहाँ पे 100% टीए ऑफ होगा। तो मैंने कहा बस बेटा यही तो अपना T1 है, यानी कि इस इंस्टेंट के बाद अब सिस्टम में कुछ नया चेंज होगा। सो दिस इज द केस वन। ओके, तो हमने एक पॉइंट यहाँ पे कैच किया और एक इरेजर उठाई बेटा और यहाँ पे इसे रोक दिया कि भैया इसके बाद तो टीए से करंट कोई पास होगी नहीं, और इसके पास इसके बाद पास नहीं होगी, तो इसको हमने बेटा T1 लिख दिया। आप T1 लिख दो या पाई लिख दो, बात एक ही है, हम संभाल लेंगे। ओके, अब जैसे बेटा अगर आप इसको ऐसे लिख रहे हैं, T1 लिख रहे हैं तो T1 लिख दो, और पाई लिख रहे हैं तो रेफरेंस पे क्या लिखोगे, ओमेगा टी। यानी कि अगर सर हम टी लिख रहे हैं तो हम रेफरेंस पे यहाँ टी लिख दिए, ओके सॉरी T1 लिख रहे हैं तो हम रेफरेंस पे यहाँ टी लिख दिए, अगर हम यहाँ सर पाई लिख रहे हैं तो रेफरेंस में हम यहाँ ओमेगा टी लिख के चलेंगे। तो मैं दोनों को कर देता हूं, आपको जो चाहिए वो रखिएगा, ठीक है बेटा। बेटा इस पॉइंट को भी चलिए आगे बढ़ते हैं ना, इन द सेम केस बेटा, सेम जोन, क्या आप मेरी हेल्प करोगे, व्हाट विल बी दिस करंट बेटा। वेट ए मिनट, हल्का समय दीजिए, ये तो व्हाट विल बी दिस करंट बेटा। आप कहेंगे दिस कौन सी, दिस करंट तो बहुत सारे है, तो बोलेगा रुको थोड़ा समय दो। नाउ आई वांट टू आस्क यू बेटा करंट ऑफ ID1, ओके लिखते बेटा ID1, देन बेटा वी रिक्वायर ID2, देन बेटा वी रिक्वायर ID1 D2 हो गया, TA हो गया, ID FD भी यही निपटा देते, ओके। सो ID1, अरे सर इस समय तो जीरो है सर जी, इस समय तो जीरो है, तो मैंने कहा जीरो है तो बेटा जीरो शुरू कर दें, ID1 0, ID2 0, ID FD 0, सभी ऑफ हैं, ओके सिर्फ मेन SCR और ऑब्जेक्टिव SCR ऑन है। अब बेटा मैंने कहा अगले क्वेश्चन पे चलो, आपने कहा अगला क्या, मैंने कहा सर आउटपुट वोल्टेज, आपने कहा सर आउटपुट वोल्टेज की अगर हम लोग बात करें तो आउटपुट वोल्टेज इज नथिंग बट सर V0, आउटपुट वोल्टेज इज नथिंग बट सर V0, अभी प्रूव किया था। सो दिस इज बेटा आउटपुट वोल्टेज V0T, सॉरी आउटपुट वोल्टेज इज नथिंग बट VS, ठीक है ये हो गया। अब अगर हम बात करें बेटा क्या क्या हो गया, सर VS हो गया सप्लाई वोल्टेज डन, IS सप्लाई करंट बचा हुआ है ना, तो सप्लाई करंट हम अगर ड्रॉ करें तो बेटा हियर सप्लाई करंट इज इक्वल टू I0, यू आर गेटिंग माय पॉइंट ना, हियर सप्लाई करंट तो बेटा यहां ड्रॉ कर देते हैं, और कुछ बचा है कैपेसिटर वोल्टेज बचा हुआ है अभी है ना, उसको भी हमें देखना पड़ेगा, तो कैपेसिटर वोल्टेज को हम यहाँ ले लेते हैं, थायरिस्टर वोल्टेज को यहाँ पे ले लेंगे, और यहाँ ले लेते हैं बेटा हम लोग इसको आई ऑफ दिस वन बेटा IS यहाँ ले लिया, ठीक है तो IS हम यहाँ ले लेते हैं, दिस इज आवर IS, ठीक। सो इन दिस केस बेटा IS की इनिशियली किसके इक्वल है बेटा, I0 के इक्वल है, अभी प्रूव किए थे, तो IS इज इक्वल टू I0, ये हो गया I0। And now beta, we want to draw here V of C, capacitor voltage, V of C. तो आपने देखा होगा beta, in this case, capacitor voltage will be cosine function. You can understand easily यार, positive something. So now beta, this function will be cosine function. तो पहले इसका हम half ले लेते हैं, ताकि pi by 2 को अच्छे से represent कर पाएं. Okay. So now beta, this is the cosine function in this fashion. So this is cosine voltage in this fashion. So now beta, we can draw this one. This is nothing but our capacitor voltage. This is nothing but beta our capacitor voltage. इतनी बात भी क्लियर है? So capacitor voltage. And this beta capacitor voltage will start from initially VC0 minus और ये हो गया beta next value is again equal to VC0 minus and that value is nothing but beta VS. So this value is nothing but minus of VS. इतने में variation होगा जितना initial charge है उसी के हिसाब से. जितना initial charge है उसी के हिसाब से. So this is the capacitor voltage. अब पाई के बाद क्या बनेगा हमें नहीं पता सर, वो बाद में देखते हैं. Okay, वो बाद में देखते हैं. इसको बाद में देखते हैं ना, ये जो लाइन है गड़बड़ हो रही है, बाद में देखते हैं। तो देखो बेटा IS हो गया, VCT हो गया, नेक्स्ट बेटा अब वेवफॉर्म ही इतनी होती है तो क्या कर सकते हैं बेटा, नेक्स्ट हम लोग ड्रॉ करना चाह रहे हैं बेटा इसको दिस मेन SCR वोल्टेज। सो द मेन SCR वोल्टेज VTM बेटा वी वांट टू ड्रॉ, एंड दिस VTM इज नथिंग बट बेटा जी वी कैन से हियर बेटा मेन SCR TM इज ऑन, सो दिस वोल्टेज बेटा मेन SCR वोल्टेज विल बी जीरो, because main SCR is on. Okay, hopefully you are getting my point. ठीक है, तो एक बार शुरू करते हैं फिर से. VS हो गया, done. IS हो गया, done. VTM हो गया, ITM हो गया, done.
ना बेटा आई टी ए हो गया, वी टी ए नीट नहीं है, वी डी वन नीट नहीं है, वी डी टू नीट नहीं है, अगर चाहो तो ड्रॉ कर सकते हो, अदरवाइज नहीं, क्योंकि केसेस तो अपने पास नहीं बेटा, बट इन जनरल नोबडी विल आस्क। आगे बढ़ते हैं सर, फ्री ब्रिलिंग डायोड करंट हो गया, फ्री ब्रिलिंग डायोड वोल्टेज नीड नहीं है, आई नॉट करंट हो गया बेटा, वी नॉट वोल्टेज हो गया, ओके। तो ये सारे पॉइंट्स हो गए, इसके अलावा वेवफॉर्म की अगर आप चाहें तो ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे बेटा वी टी ए ड्रॉ कर लीजिए, वी डी वन ड्रॉ कर लीजिए, वी डी टू ड्रॉ कर सकते हैं, वी ऑफ एफ डी ड्रॉ कर सकते हैं, वी ऑफ इंडक्टर वोल्टेज ड्रॉ कर सकते हैं, तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बट रियली वी आर नॉट सीरियस एट दिस मोमेंट, ओके, अबाउट दोज वेवफॉर्म्स, आप चाहें तो ड्रॉ कर सकते हैं, ओके, बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, और इन जनरल वहां पे इतनी मतलब इधर उधर की एनालिसिस लोग नहीं पूछेंगे, क्योंकि उनका एक्चुअली कम्यूटेशन में फॉर्मूले वाइज बहुत लेना देना नहीं है, दैट्स व्हाई दे विल नॉट आस्क वेवफॉर्म रिलेटेड टू दैट, ओके। चलिए इतनी वेवफॉर्म क्लियर है आपको, यही बहुत सारी हो गई है सर, ओके, तो यही बहुत सारी हो गई, तो इन्हीं को पहले समझ लेते हैं, फिर धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हैं, ओके। तो यहां तक आ गए बेटा, क्या वेवफॉर्म गड़बड़ हो गई कुछ, आई टी एम इज आई नॉट, अच्छा ये बेटा काल ब्लैक किया था, फट गया थोड़ा सा ज्यादा, ये हो गया बेटा अपना आई टी एम इज नथिंग बट आई नॉट, आई टी एम इज नथिंग बट बेटा आई नॉट, ये हो गया केस, फिर बात बाकी बात में देखते हैं, इतनी बातें क्लियर है। अब हम बात बेटा करते हैं केस टू की, केस टू पे हम कैसे बढ़े धीरे धीरे उसको हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। अभी तक सारी बेटा वेवफॉर्म क्लियर है ना, अब धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट केस संभालते हैं। तो अब यार अभी तक हमने जो समझा बेटा वो क्या है कि सारी वेवफॉर्म्स कुछ इस तरीके से बन गई आईसीटी वगैरह की, अब ये आईसीटी आगे जाके कितना चेंज करेगा खुद को बेटा वो हमें थोड़ा सा ध्यान से आगे चल के समझना पड़ेगा, ठीक है, आगे जाके समझना पड़ेगा। ये वेवफॉर्म थोड़ी सी आप जानते हो कितना रेफरेंस तैयार करें है। अब हम लोग चलते हैं टी वन के बाद और देखते हैं क्या होगा सिस्टम में, ओके। सो केस टू बेटा वी वांट टू कंसीडर केस टू, ओके, केस टू को हम लोग यहां लेके आते हैं। सो केस टू में देखते हैं क्या होगा। So now beta, case 2 is nothing but we have assumed that T1 to T2, shuru kare, case 1 is nothing but beta 0 to T1 and case 2 is nothing but beta T1 to T2. ab T1 pe dekhte hain kya hoga, okay, so let us consider this point beta, initially or in the range of 0 to T1, okay, how many devices were conducting beta, TM sir and this one TA auxiliary is there, these two devices were conducting in the range of 0 to T1. ab aage badhte hain T1 se T2 dekhte hain, so in the range of beta T1 se T2 check kariye yahan pe, so pehle ye likhte hain beta in the range of 0 se T1, okay, TM and TA were conducting, TM and TA were conducting, so now see in this case what will happen, so in this case beta we can say at omega not t equal to pi, please mind it, what is the this function of current beta, this function of current IC is nothing but BC generalized sinusoidal function, so after pi it will be negative, so what we can say beta at omega not t equal to pi the ITA current, okay, this current beta auxiliary SCR current which is also equal to capacitor or inductor current, so ITA current will be 0 ampere, please keep in mind, so that means we can say beta roughly our auxiliary SCR is off, but 100% abhi nahi keh sakte hai, so next point we want to say when beta omega not t is greater than pi, when omega not t is greater than pi, my dear friend ITA now is less than 0 because capacitor current is less than 0, okay, or inductor current is less than 0, agar hum capacitor current ki baat kare beta, so this current will look like something, ओके, तो अब यार ये जो करंट नेगेटिव है कैपेसिटर की वो एससीआर के लिए पॉजिटिव करंट है, तो बेटा जो कैपेसिटर की पॉजिटिव करंट होगी वो एससीआर के लिए नेगेटिव करंट होगी, सो एट दिस इंस्टेंट ऑब्जिलरी एससीआर विल गेट कम्यूटेटेड, इन अदर वर्ड्स बेटा आप ऐसे भी समझ सकते हैं सर जी, कैसे, देखो यार हम अगर बेटा बात करें ऑब्जिलरी एससीआर की, सो ऑब्जिलरी एससीआर करंट विल बी दिस वन, सो नाउ बेटा इन द रेंज ऑफ 0 टू पाई और वी कैन से T1 देयर T1 इज नथिंग बट पाई बाय ओमेगा, तो उस पॉइंट पे बात करें तो उसके बाद तो बेटा करंट नेगेटिव है ना, सो दिस इज नथिंग बट ITA, तो ITA को देखें बेटा तो आफ्टर पाई इट इज नेगेटिव एंड ड्यू टू दिस रीजन बेटा ऑक्सिलरी एससीआर TA विल ऑफ, सो ITA 0, सो बेटा सॉरी ITA लेस देन 0, सो एट ओमेगा नॉट टी इक्वल टू पाई प्लस, ओमेगा नॉट टी इक्वल टू पाई प्लस TA SCR TA विल ऑफ
एससीआरटी लेवल ऑफ, पहला पॉइंट हमें यह समझना पड़ेगा, इन द रेंज ऑफ 0 से टी1 क्या स्टोरी हुई है और उस कहानी के बेस पे बेटा पाई प्लस पे एससीआरटी क्या हो जाएगा और व्हाट अबाउट टीएम हमें नहीं पता सर, पहले हम चेक करेंगे फिर बोलेंगे ओके ना बेटा। इसी पॉइंट पे हम आगे बढ़े और दूसरे पॉइंट पे चेक करें तो व्हाट विल बी द, यही पे वेवफॉर्म में समझना, हम वहां नहीं जा रहे बार बार इस बात है ना। तो अगले पॉइंट पे बेटा ये तो आईटी है सर, तो आईसी क्या होगा सर, कैपेसिटर करेंट बेटा ये होगा। तो एक ही बात है, बस यार नहीं होता बेटा कि लिखने का थोड़ा तरीका बदल गया है और कुछ नहीं है ओके। सो दिस इज द आईटीए ऑफ दिल्ली एसआर, तो जो कैपेसिटर करंट है वही ऑक्सिलरी एसआर करंट है, बस ऑक्सिलरी एसआर करंट वी हैव टू शो इन पॉजिटिव एंड कैपेसिटर करंट विल स्टार्ट फ्रॉम नेगेटिव। ये जो कैपेसिटर करंट है बेटा इतने ही रीजन में कैपेसिटर वोल्टेज क्या रहा होगा, आपने कहा सर समझ गए, प्लस वीएस से माइनस वीएस का वेरिएशन हुआ बिकॉज़ इट इज नथिंग बट सर कोसाइन फंक्शन, इट इज नथिंग बट सर कोसाइन फंक्शन। तो देखो यार ध्यान से सुनना बेटा, दिस वोल्टेज इज वीएस इनिशियल वोल्टेज एंड दिस वोल्टेज इज माइनस वीएस एंड दैट वोल्टेज इज नथिंग बट बेटा कैपेसिटर वोल्टेज। सो एट ओमेगा टी इक्वल टू पाई प्लस द कैपेसिटर वोल्टेज पोलैरिटी इज गोइंग टू बी चेंज, इज गोइंग टू बी चेंज। सो समवेयर हियर बेटा नाउ आवर न्यू वोल्टेज पोलैरिटी विल टेक प्लेस, दिस साइड नेगेटिव एंड दैट साइड पॉजिटिव। क्लियर है बेटा, this side negative and that side positive okay, mosquito tha negative and positive done, so at omega t equal to pi, so what we can write at omega t equal to pi plus vc is equal to beta, or we can say vc at t equal to t1 plus is nothing but beta minus vs, so polarity is going to be changed okay। ab aap aise bol sakte hain beta ya to current negative hui ya capacitor voltage polarity change hui, to in dono ki wajah se apna auxiliary scr kya ho gaya, off ho gaya, ab isko hata de। So this auxiliary SCR, my dear friend, is going to be turned off. इसको हटा दिया। अब हम एक बार डायोड को देखते हैं कि भैया तुम्हारे क्या हाल है, तुम ऑन हो गए अब कि नहीं हो गए। तो इनको हमने पूछा बेटा भैया तुम क्या करने वाले हो, तो जरा इनसे बात करते हैं बेटा धीरे धीरे। डायोड टी1 अभी भी auxiliary SCR आपका ऑन है ओके। नाउ बेटा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, अगर हम कहानी स्टोरी को आगे बढ़ाए तो देखो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बेटा अभी भी टी एम ऑन है, फिल बिलिंग डायोड स्टिल ऑफ, तो टी ए ऑफ हो गया। इसके साथ साथ बेटा फ्री व्हीलिंग डायोड इज आल्सो ऑफ, अभी भी ऑन है और ये तब तक ऑन नहीं होता है जब तक मेन एससीआर ऑफ ना हो, जब तक मेन एससीआर ऑफ ना हो। अब आगे बढ़ते हैं, अब हमें पता है बेटा टीए ऑफ हो गया, तो अब टीए कब ऑन होगा, एक कैपिटल टी के बाद, तो टीए के बारे में आप सोचना भूल जाओ। नाउ बेटा वी विल सी व्हाट अबाउट दिस डायोड डी1, तो एक केवीएल लगा इस वाली लूप में देखो ऐसे, और इस वाली लूप में एक केवीएल लगा के ऐसे देखते भैया क्या होगा। इसको मान लिया हमने बी डी1 और इसको मान लिया बेटा हमने v of d2। अब चेक करो बॉस क्या होगा, ध्यान देना इसको बोल देते बेटा मेश 1, सो केवीएल इन मेश 1 देखो बेटा 0 बिकॉज़ शॉर्ट सर्किट, नाउ माइनस vs प्लस vd1, 0 माइनस vs प्लस vd1, सो नाउ vd1 इज हियर पॉजिटिव यार ओके। सो व्हाट वी कैन राइट सर, KVL in mesh 1 will give us equation, my dear friend, V of D1 equal to Vs। अब पता है मुस्कुरा गए क्यों, क्योंकि सर अब हमें समझ में आ गया auxiliary SCR TA जैसा ही ऑफ होगा डायोड D1 वैसे ही ऑन हो जाएगा। सो नाउ डायोड D1, सो बेटा कि डायोड D1 is going to on, therefore बेटा डायोड D1 will conduct or on, okay ये हो गया। Now जैसे D1 on हुआ हम ऊपर गए और हमने बेटा D1 को क्या कर दिया, short। Now this D1 is going to be short, done। अब आगे समझते हैं what about this D2, we will see, देखो आराम से समझो। Now बेटा voltage across this D2 is still you know very well zero, और कोई extra amount current है नहीं जो आपके D2 को on कर पाए, तो D2 अभी तक क्या है, off है, यानी कि TA ऑफ D2 ऑफ फ्री व्हीलिंग डायोड ऑफ, नाउ D1 इज ऑन। सो इन दिस केस इन द दैट मींस बेटा इन द रेंज ऑफ 0 से T1 हमने डिस्कशन किया, नाउ बेटा वी वांट टू कंसीडर रेंज T1 टू T2, सो इन द रेंज ऑफ बेटा T1 टू T2 व्हाट वी कैन से SCR TM एंड डायोड D एंड बेटा डायोड D1 विल कंडक्ट एंड डायोड बेटा D1 विल कंडक्ट, एग्री ना, and diode D1 will conduct, so now this system will look like something like that। इतने किससे क्लियर है, इतनी बातें क्लियर है, बहुत लेंथी है यार ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, सो नेक्स्ट पॉइंट यार, अब छोटी छोटी बातें फिर से शुरू करते हैं। बाय के के ओ चले शुरू करें, बाय के के ओ केवीएल केसीएल एंड ओम्स लॉ, सो बाय के के ओ व्हाट वी कैन राइट माय डियर फ्रेंड, सी हियर बेटा एक आउटर लूप केवीएल इक्वेशन लगा दे चचा, देखो यहां पे
एक आउटर लूप केवीएल इक्वेशन लगा दे, ये तो लगा ही सकते हैं सर जी, बिल्कुल। नाउ बेटा v नॉट इज स्टिल vs एंड बेटा i नॉट अभी भी ऐसे फ्लो रहा है इज इक्वल टू is, ओके व्हाट अबाउट itm पता नहीं मास्टर जी, देखते हैं उसको। सो व्हाट वी कैन राइट बाय kq v नॉट इक्वल टू vs एंड बेटा i नॉट इक्वल टू is, ये दो बातें तो मेरे पास सही हो गई। अब आगे बढ़ते हैं और सोचते हैं क्या है सर, अगर आप kcl एट दिस नोड लगाएं तो जरा मुझे बताओ बेटा क्या। So at this node KCL, if we will apply then C. So हम लोग इस पे KCL लगा दिया और फिर समझते हैं। So KCL at node 1. KCL at node 1. Okay, अब ये बताओ बेटा, initially capacitor से current क्या flow हो रही थी बेटा? Upward. और अब current कैसे flow होगी बेटा? Downward. Agree ना? अब current कैसे flow होगी बेटा? Downward. तो check करो यहां से. देखो इनिशियली अपवर्ड, अब बेटा डायोड तो ऐसे ऑन होगा और कैपेसिटर की वैसे भी डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज हो गई थी, तो कैपेसिटर करंट नाउ विल फ्लो इन दिस फैशन, दिस वे दिस वे दिस वे दिस वे एंड दिस वे, ओके। सो दिस इज द बेटा कैपेसिटर करंट आई ऑफ सी टी। और वैसे भी यार ये पहले देखो बेटा कैपेसिटर करंट नेगेटिव थी, अब पॉजिटिव हुई तो डायरेक्शन तो चेंज हुई, तो पहले अगर अपवर्ड थी तो अब क्या हुई डाउनवर्ड, और इसी वजह से डायोड भी ऑन होगा। Now बेटा this current I want to give name ICT, और ये current क्या है चचा? आप कहेंगे सर जी I of TM, तो देखो ITM plus ICT is equal to I not, so what we can write KCL at node, this is ICT plus I of TM is equal to I not, is really very 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 fantastic interesting beautiful equation in the current commutation, because this equation is going to be describe your commutation thing for the main SCR. How? We will see. Now we just go hold it there. Then we will see. Okay. Now, अगले पॉइंट पर आएं बेटा. I of D2, I of FD, I of TA, all current are zero. तो ये भी यहाँ पे लिखते हैं. I of D2 बेटा. We can write here. I of D2, I of auxiliary SCR, I of peripheral diode will be equal to zero here. बाकी किससे देते हैं? Step by step करके. अब हम लोगों ने कितनी बातें कर दी बेटा, Vs हो गया, Is हो गया, V0 हो गया, I0 हो गया, कैपेसिटर वोल्टेज की अब जरूरत नहीं, वो हम अलग से देखेंगे, ये किससे हो गए, वो किससे हो गए, डन, ओके, बाकी नीड नहीं है। अब बेटा हम लोग KVL फिर से लगाना चाह रहे हैं इन दिस लूप, ओके, मेश 1 KVL, तो KVL इन मेश 1 व्हेन दिस डायोड D1 इज ऑन, अभी तक क्या था D1 को पता किया ऑन होगा कि नहीं, अब ऑन हो चुका है तो अब फिर से लगाते हैं। सो बेटा KVL KVL इन मेश 1 KVL इन मेश 1 हमें पता, फिर से आप मुस्कुराने लगे सर समझ गए, अगर KVL मेश 1 में लगाएं तो इस बार सर ये देखो बेटा शॉर्ट सर्किट और ये इंडक्टर ये कैपेसिटर, यानी सर स्टिल इट इज सेकंड ऑर्डर अनडैम्प्ड सिस्टम इन व्हिच योर कैपेसिटर इज इनिशियली चार्ज। तो अगर हम लोग बात करें तो सर ये क्या हो गया, ये इस बार सर कुछ ऐसा हो गया, कैपेसिटर इंडक्टर एंड बेटा डायोड इज ऑन हियर एंड बेटा डायोड इज ऑन हियर एंड दिस करंट इज नथिंग बट आई ऑफ डी वन टी, ओके। आगे बढ़ते हैं सर, दिस इज इंडक्टर, दिस इज कैपेसिटर एंड कैपेसिटर वोल्टेज पोलैरिटी इज बेटा टॉप वन नेगेटिव बॉटम वन पॉजिटिव, इन दिस फैशन इट इज इनिशियली चार्ज, ओके। नाउ बेटा इट इज नथिंग बट सेकंड ऑर्डर अनडैम्प्ड सिस्टम। यार आपने कहा रुको सर, यार जब हम वोल्टेज कम्यूटेशन सर्किट की बात कर रहे थे तब ये पहली साइकिल की बात, यानी कि जीरो से पाई की बात खत्म हो गया था अनडैम्प्ड होना, उसके बाद सिर्फ कैपेसिटर बचा था, लेकिन इस बार अभी भी कैपेसिटर और इंडक्टर एक बार एक साथ सीरीज में है, और आपको पता है बेटा एल और सी जब एक साथ सीरीज में होते हैं तो थोड़ी बहुत तो नुकसान होते ही है, बिकॉज इंडक्टर डज नॉट अलाउ सडन चेंज ऑफ करंट एंड वेयर इज बेटा कैपेसिटर डज नॉट अलाउ सडन चेंज ऑफ वोल्टेज। तो दो अलग अलग क्वांटिटीज का अपोज करने वाले जब एलिमेंट सीरीज में लगे होते हैं तो आपको पता है किस टाइप की प्रॉब्लम आएंगी फ्रॉम द सर्किट थ्योरी, सो वी विल सी दैट टाइप ऑफ प्रॉब्लम आल्सो। लेकिन खास तौर पे अगर अभी देखें तो ये सेकंड ऑर्डर अनडैम्प्ड सिस्टम है जिसमें बेटा कैपेसिटर इनिशियली चार्ज है, तो फिर से इक्वेशन ऑफ करंट क्या हो गई, आपने कहा यस सर, यानी कि इक्वेशन ऑफ करंट विल बी सिमिलर टू केस 1, यानी कि फिर से अगर हम चाहे तो हम लिख सकते हैं आई सी टी इक्वल टू सर बी सी और बी एस सी लिखते हैं बेटा बी एस अंडर रूट सी बाई एल साइन ओमेगा नॉट टी इज स्टिल बेटा एंड वी एल टी इज इक्वल टू बेटा वी सी टी इज इक्वल टू वी कैन राइट बेटा अवर कैपेसिटर इनिशियल वोल्टेज वी एस इनटू कॉस ओमेगा नॉट टी, ऑब्वियसली नाउ बेटा दिस वोल्टेज विल बी नेगेटिव एंड दैट करंट विल बी पॉजिटिव, ओके। सो प्लीज माइंड इट दिस इक्वेशन हियर। नाउ अगले पॉइंट पे चलते हैं बेटा, आई डी वन आई एल आई सी ऑल करंट विल बी इक्वल, तो IC is equal to बेटा I of D1 T और ILT, तो ILT मैं नहीं लिख रहा हूँ समझ गए होंगे।
दिस इज दाइन एनालिसिस ऑफ दिस सिस्टम. ओके, होपफुली द थिंग्स आर क्लियर. इतनी बातें पहले समझिए फिर आगे बढ़ते हैं. ठीक है बालक, अब आगे करें शुरुआत. चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलते हैं. हमारा किस्सा यहाँ पे ये आता है बेटा कि सर फ्रॉम इक्वेशन दिस कैपिटल ए, बिकॉज दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट. साथ में मुझे ये भी देखना होता है कि रिकॉर्डिंग चल रही है सही, आवाज जा रही है कि नहीं. तो बहुत थोड़ा सा रिकॉर्डिंग में भी, क्योंकि लाइव में क्या होता है आप बताते रहते हो सर आवाज दिक्कत कर गई, या मान लीजिए कैमरा ऑफ है एंड सो ऑन, तो यहाँ बीच बीच में चेक करना पड़ता है. थोड़ा सा इरिटेटिंग होता है अकेले बोलना और फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ बोलना ताकि कोई पॉइंट मिस ना हो जाए, आपको किसी भी तरीके से कोई दिक्कत ना लगे. बहुत सारे पॉइंट्स हैं. इवन मैं सही बताऊं बेटा, लाइव पढ़ाना शायद आसान है, रिकॉर्डिंग पढ़ना, रिकॉर्डिंग करना थोड़ी सी टफ होती है. ओके चलिए ठीक है, इतनी बात है. सो दिस इज द इक्वेशन ए एंड दैट इक्वेशन इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट. तो इस इक्वेशन ए को हम उठाते हैं और कुछ एनालिसिस करना शुरू करते हैं. ओके अगला पॉइंट लिखते हैं बेटा, फ्रॉम इक्वेशन कैपिटल ए, फ्रॉम इक्वेशन बेटा कैपिटल ए व्हाट वी कैन राइट. यार यहाँ पे बेटा अपना बहुत ध्यान सुनना, अपना बेटा आई नॉट किसके बराबर है सर? अपना आई नॉट जो है वो आई सी टी और आई टी एम के बराबर है. यानी कि सर फ्रॉम इक्वेशन ए आई नॉट इज इक्वल टू आई सी टी प्लस बेटा की आई टी एम है. ट्राई टू अंडरस्टैंड. और जो आई सी टी था सर वो जीरो से टी वन में निगेटिव, उसके बाद पॉजिटिव है ऐसे. और जो आई नॉट है सर उसे तो भगवान भी नहीं बदल सकते हैं, वो तो कॉन्स्टेंट मान लिया था हम लोगों ने. सॉरी आई नॉट जो था बेटा उसे तो कॉन्स्टेंट मान लिया था हम लोगों ने. आई नॉट था बेटा उसे तो हम लोगों ने क्या मान लिया था? कॉन्स्टेंट मान लिया था. यहां पे आके जरा ध्यान से एक एक पॉइंट को कैरी करना. देखो इस जगह जैसे ही आएंगे बेटा ये जीरो है. ओके और इस टाइम को हमने मान लिया टी टू, सॉरी नॉट जीरो बेटा, ये टी वन है बेटा, ये जीरो है और इसे मान लिया टी टू. अब जरा ध्यान कर लो बेटा, इन द रेंज ऑफ टी वन से टी टू, टी वन से टी टू क्या है सर? I नॉट इज कॉन्स्टेंट. तो पहले तो ये रखो गजब का जो कंक्लूजन है कि सर I नॉट को तो विधाता भी नहीं बदल सकते. सो I नॉट इज कॉन्स्टेंट एंड I C इज वेरिएबल फंक्शन. अब मैंने आपसे ऐसे कहा यार बेटा, बहुत ध्यान से यार देखो, आप समझ रहे हो ना, एक तरीके से प्राण निकाल के सर दे रहे हैं आपको. ओके ध्यान रखिएगा. सो देखो I नॉट इज बेटा कॉन्स्टेंट, तो मैंने ऐसे लिखा I नॉट इज नथिंग बट सम कॉन्स्टेंट वैल्यू बेटा इज इक्वल टू I C T इज वेरिएबल प्लस I T M. अब मैं आपसे ये कहूं बेटा कि ये वैल्यू तो सर कॉन्स्टेंट है बट आई टी एम, सॉरी जस्ट वॉन्ट टू टेल यू बेटा कि I नॉट सर कॉन्स्टेंट है, I C T वेरिएबल है और I T M भी कॉन्स्टेंट है. तो क्या ये इक्वेशन कभी भी आप सेटिस्फाई कर पाओगे? आप कहोगे सर आप पगला आ गए रात को रिकॉर्डिंग करते हुए. अगर ये वैल्यू कांस्टेंट है तो इन दोनों को, इन दोनों वैल्यूज को वेरिएबल होना पड़ेगा ताकि ये कांस्टेंट रहे. ओके अब मान लो ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट और ये वेरिएबल है, तो आप किस्सा ये वाला कभी पूरा कर ही नहीं पाओगे. मान लो ये सर करंट 10 एम्पियर है, ये करंट सर 5 एम्पियर है, आप इसको वेरी करोगे तो यार ये हमेशा थोड़ा टाइम रहेगी, कभी ना कभी तो चेंज हो ही जाएगी. अगर इसको हमेशा आपको 10 एम्पियर रहना है तो अगर आईसीटी आपकी घटे तो आईटीएम को पढ़ना चाहिए, ध्यान देना बेटा. और आईसीटी अगर बढ़े तो आईटीएम घटना चाहिए, या दोनों बढ़े और एक टाइम के बाद फिक्स हो जाए, या दोनों घटे और एक टाइम के बाद फिक्स हो जाए 10 पे. यही तो कुछ पॉसिबिलिटीज हैं, और तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है. अब दोनों एक साथ बढ़े, दोनों एक साथ घटे, ये तो पॉसिबल नहीं है बेटा. यानी कि एक बढ़ेगी तो एक घटने चाहिए, ये कुछ पॉसिबिलिटी हो सकती है. तो देखो बेटा, व्हेन कैपेसिटर करंट गोइंग टू बी डिक्रीज आईटीएम विल इंक्रीज, व्हेन कैपेसिटर करंट विल इंक्रीज आईटीएम विल डिक्रीज, बस यही एक अप्रोच हो सकती है. तो मैंने आपसे बस इसी अप्रोच पे एक क्वेश्चन रख दिया कि सर इन द रेंज ऑफ टी वन से टी टू, इन द रेंज ऑफ टी वन से टी टू बेटा आईसीटी करंट क्या होगी? जरा ग्राफ देख के बताओ. इन द रेंज ऑफ बेटा T1 से T2 येलो कलर करेंट, दिस इज नथिंग बट माय डियर फ्रेंड, दिस इज नथिंग बट माय डियर फ्रेंड आईसीटी कैपेसिटर करेंट. सो इन द रेंज ऑफ बेटा T1 से T2 दिस कैपेसिटर करेंट इज गोइंग टू बी इंक्रीज, सो इट इज गारंटेड दैट बेटा आवर SCR करेंट TM इज गोइंग टू बी डिक्रीज. इससे पहले SCR TM करेंट क्या थी? आपने कहा सर जीरो से लेकर T1 में. मैंने कहा हाँ यार, जीरो से T1 में आपने कहा सर ITM करेंट भी I0 ही थी, दोनों इक्वल थी, दोनों इक्वल थे. लेकिन सर दोनों इक्वल थी बेटा कहां तक? जीरो से लेके T1 तक, जीरो से लेके T1 तक, यहां तक. इसके बाद क्या हुआ सर? जैसे जैसे कैपेसिटर करंट बढ़ेगी आईटीएम करंट क्या होनी चाहिए? घटनी चाहिए. एंड द इंस्टेंट बेटा जहां पे कैपेसिटर करंट और लोड करंट दोनों इक्वल हो गए वहीं पे आईटीएम करंट क्या हो जाएगी? जीरो. तालियां बजनी चाहिए बेटा यहां पे है? देखो सॉरी I0 करंट इज कॉन्स्टेंट बेटा,
IC current is variable and in the range of T1 से T2 IC current is increasing. तो IT हमको confirm decrease होना पड़ेगा तभी तो I not constant रह पाएगा. तो जैसे जैसे IC बढ़ेगा बेटा ITM घटेगा. और इस पॉइंट पे T equal to T2 पे अगर हम देखें तो IC is equal to I not, तो ITM को zero होना पड़ेगा. And after this बेटा our ITM current will be zero like this. Like this. So this is your commutation period in which your SCR is going to be off. कौन सा SCR? SCR TM. Okay, so what we can write बेटा? Okay, हमने ऐसे मान लिया बेटा, let, हमें नहीं पता किस time पे ऐसा हो रहा है, but हम ऐसा तो कह ही सकते बेटा, let, बहुत ध्यान से लीजिए, let at T is equal to T2. Done कर, let at T equal to T2 बेटा. Now try to understand, let at T equal to T2. Okay, ICT is equal to बेटा I not. Therefore, ITM main SCR current will be zero. So SCR TM will be, my dear friend, off. This is our case second. Okay, this is our case second. इतनी बात भी क्लियर है बेटा? This is our case second. ICT equal to I not and ITM equal to zero. So SCR TM will be off. Then करने वाले किस बात को? SCR TM will be off. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. तो एक क्वेश्चन फिर से मेरा आप लोगों से है और वो क्वेश्चन ये है बेटा कि ध्यान समझिएगा, इन द रेंज ऑफ T1 से T2 जहां पे, बहुत ध्यान सुनो बेटा, जहां पे SCR TM करंट रिड्यूस हो रही है और स्टार्ट टू डिक्रीज हो रही है, इसी पॉइंट पे अगर आप बात करो तो क्या आप T2 को बेटा ऐसे डिफाइन नहीं कर सकते? आप कहोगे सर कैसे? मैंने कहा देखो यार, इस रेंज में जो ICT है बेटा, वो जो फंक्शन निकाला था क्या हो जाएगा बेटा, Vs अंडर रूट C by L into sin omega not T है. आप कहेंगे बिल्कुल सर ये बात तो सही है, this is the बेटा capacitor current function. Okay, या आप सर चाहो तो Vs की जगह Vc 0 minus लिख दो, initial voltage जो भी हो ना बेटा, यहां पे आके इस जगह, और I not क्या है सर, constant है, तो T equal to T को T2 की जगह क्या हम omega not भी reference नहीं लिख सकते सर? अब omega not लिखोगे तो आपको ऐसे लिखना पड़े सर, बहुत ध्यान से याद देखो बेटा, T के रिस्पेक्ट में लिख रहे हैं तो T slash कर देता हूं, T के रिस्पेक्ट में लिख रहे हैं तो T1 T2 लिखोगे, ओमेगा नॉट T के रिस्पेक्ट में लिख रहे हैं तो यहां पे आप पाई लिखोगे, यहां पे बेटा मान लो यहां पे बेटा आप पाई प्लस थीटा लिख दिए, और ये जो पीरियड है ये वाला पीरियड ये क्या हो गया हमारा थीटा. ऐसे भी तो कर सकते हैं. अब आप कहेंगे सर क्यों इतना करना चाह रहे हो, तो मैंने कहा क्वेश्चन ये बनता है कि T2 क्या होगा, इसे भी तो निकालना है. तो देखो बेटा पाई पे यहां हो और पाई प्लस थीटा पे आप देखो ये वैल्यू मिलेगी आपको इंटरसेक्शन के, तो क्या ऐसे नहीं बोल सकते बेटा एट ओमेगा नॉट टी इक्वल टू थीटा, एट ओमेगा नॉट टी इक्वल टू थीटा. आप कहेंगे नहीं सर, एट ओमेगा नॉट टी इक्वल टू पाई प्लस थीटा, पाई को छोड़ो बेटा, क्या करना है हमें तो थीटा निकालना है, तो एट ओमेगा नॉट इक्वल टू थीटा बेटा, दिस इज द स्टैंड. और आप चाहो रुको, मैं पाई भी नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं छोड़ो इनको यार, ये थीटा बीटा छोड़ो, ऐसे कर लो, लो पाई और ये थीटा बीटा, अब सही है. तो ये बीच वाला गैप क्या हो गया बेटा, थीटा माइनस पाई, ये वाला गैप. अब हमने इस गैप के भूल जाओ, हमें तो थीटा निकालना है ना, सो थीटा इज ग्रेटर देन पाई, प्लीज फाइंड इट एट ओमेगा नॉट टी इक्वल टू थीटा, वेयर थीटा इज ग्रेटर देन पाई, जो भी वैल्यू हो. नाउ एट ओमेगा नॉट टी इक्वल टू थीटा बीटा बोथ फंक्शन आर इक्वल, कौन से, आईसीटी एंड आई नॉट, सो वी कैन राइट बेटा आईसीटी इज इक्वल टू आई नॉट. Then what is the ICT? Sir, ICT is VC 0 minus under root C by L sine omega naught T is equal to I naught. Okay, ध्यान रखिए सारे point. Now बेटा VC 0 minus something, इसको हम थोड़ी देर के लिए IC max बोल दें, क्योंकि maximum value of capacitor current है, देखा जाए तो वही तो है बेटा. So देखो यहाँ पे ये function में देखो ये क्या है, maximum value है, तो इसको ऐसे लिख दे बेटा IC max. Okay, this value is nothing but IC max into beta sine omega not t equal to, हमने theta माना था, is equal to I not. So theta is nothing but beta sine inverse I not by IC max, where IC max is nothing but VC 0 minus under root C by L. आप ध्यान रखिएगा है ना, कोई mistake नहीं, कुछ नहीं, ये हो गई बेटा the calculation of theta. Okay, now when we are capable to calculate beta theta, we can also calculate time T2, क्योंकि theta आ गया तो T2 आ जाएगा. Then, so this analysis is also very important. ठीक है, so at this instant beta commutation will take place of the SCR TM. हटाए इस point को. So now beta case 2 is completely over. Now we will enter into the case 3. But before entering into the case 3, we have to draw again waveform. तो case 2 के respect में waveform पहले draw करते थे, फिर आगे.
चलो बॉस आगे बढ़े, देखो BSIS अभी तक कोई चेंज नहीं, सॉरी I not अभी तक कोई चेंज नहीं, ICT पे आओ बेटा। तो देखो यहां से आगे चल के हम एक टाइम देते हैं, क्योंकि पहले मैंने एक्सेस उतनी नहीं बनाई है, तो एक दो और ड्रॉ कर लेते बेटा। इस टाइम को I not यहां मान, I not is this one, let me consider बेटा white color, I not is this one, ऐसे मान लेते बेटा कि ये I not का रेफरेंस है। अगर ये बेटा कि I not का रेफरेंस है, ओके लिखते हैं भाई कुछ बंद बंद हो जाए, हो गया तो ठीक है, बाद में सही करेंगे बेटा, एक साथ तब तक ऐसे ही रहने दे। ओके तो ये हो गया बेटा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपसे बात करूं सिंपल वे से, तो ये बेटा कैपेसिटर करंट थी इस तरीके से, इस तरीके से। और देखो यहाँ पे जाके क्या मिला बेटा, हम लोगों की ये दोनों इक्वेशन, सॉरी ये दोनों करंट इक्वल हुई, ICT इक्वल टू I not, ये I not का इंटरसेक्शन दिया है, तो यहाँ पे आ गए बेटा इस जगह। अब छोटा पीरियड देखिएगा आपको थोड़ा सा, तो थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा, थोड़ा मैनेज करना, ये रहा बेटा I not। और इसी रीजन में अपनी बेटा SRTM करंट क्या होनी, घटनी शुरू होगी। ओके तो ये वाला पॉइंट रुको यार, इसको हटा ही दे, एक सेकंड, ओहो सब बिगड़ गया, चलो कोई ना, चलना पड़ेगा। समय लगेगा बालक है, तो ये हो गया बेटा I not ITM, तो ITM बाद में हम लोग इसको सही करते रहेंगे थोड़ा बहुत, तो ITM हो गया बेटा यहां तक इतना, लेट मी चेंज दिस कलर, सो ITM हो गया बेटा भाई ब्लू कलर, दिस ITM इज I not अप टू द रेंज ऑफ पाई बेटा, आफ्टर दिस दिस करंट इज गोइंग टू बी डिक्रीज, दिस करंट इज गोइंग टू बी डिक्रीज इन दिस वे बेटा, दिस करंट इज गोइंग टू बी डिक्रीज। अब इसको पूरे को बंद करते हैं, देख लेते हैं, अभी चेंज नहीं हो रहा है, ये हो गया डन ITM। सो नाउ बेटा ITM इज गोइंग टू बी जीरो हियर, ITM इज गोइंग टू बी जीरो हियर, ठीक है। इसी बेस पे हम आगे बढ़ते हैं, कहानी को आगे बढ़ाते हैं, ओके नाउ बेटा इसके बाद कैपेसिटर करंट को नहीं छेड़ते, नाउ बेटा SRTM करंट इज गोइंग टू बी जीरो, इज गोइंग टू बी जीरो आफ्टर दिस, कब तक जीरो रहेगी, वी विल सी। इसी पर आगे बढ़ाइए बेटा, ITA करंट बहुत ध्यान से सुनिएगा, ITA करंट बेटा, ITA करंट इज नथिंग बट, अब ऐसे ही रहने देते बालक है ना, क्यों बार बार हम लोग ज्यादा दिमाग लगाएं, सो इसको थोड़ा सही कर देते हैं बस। नाउ ITA करंट विल बी बेटा दिस साइन फंक्शन, विल बी दिस साइन फंक्शन, बट आफ्टर दिस बेटा TA इज ऑफ ना, TA इज ऑफ, सो दिस टाइम बेटा इन दिस टाइम इंटरवल ITA विल बी जीरो, ITA will be zero, okay? ये कुछ लाइनें भी गड़बड़ हुई हैं, यहाँ पे एक और, नाउ बेटा ID1 पे आउट, तो ID1 इज जीरो टिल नाउ बेटा, ID1 इज जीरो, ये भी हमें ध्यान से समझना पड़ेगा, अभी तक ID1 क्या था बेटा जीरो, अब इसके बाद चलो, नाउ ID1 इज बेटा ICT, सो ID1 इज ICT मतलब साइनसोइडल फंक्शन इस टाइप का, एंड ऑब्वियसली यार पॉजिटिव वन,
ऑब्वियसली यार बेटा पॉजिटिव वन। लेकिन एक चीज ध्यान रखो बेटा यहाँ पे ओनली वी आर ड्रॉइंग वेवफॉर्म अप टू द रेंज ऑफ बेटा टी टू और इन द रेंज ऑफ टी वन टू टी टू। तो टी वन से टी टू की अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली बेटा वी हैव टू शो अवर टी टू हियर एज वेल, वी हैव टू शो बेटा टी टू हियर। अब आप समझ रहे होंगे यार बहुत इरिटेटिंग काम होता है और यही कारण है बेटा कि लाइव सेशन में मैं टाइप बी कंपटीशन को नहीं लिया क्योंकि रिकॉर्डिंग में इतनी हालत खराब हो रही है। ओके चलिए खैर इस लाइन को भी हम लोग थोड़ा वो कर देते हैं। अरे ठीक है बेटा सो टी वन एंड टी टू अभी तक तो I नॉट है बेटा ना यहाँ तक। इसके बाद क्या होगा बाद में देखते हैं। ओके नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड बेटा आईएसटी को अगर हम देखें तो दूसरे सलीके से भी देख सकते हैं और वो क्या है थोड़ा सा उसके हम पॉइंट आउट करेंगे अभी जाके क्योंकि मुझे आईएसटी पे डाउट आ रहा है। तो आईएसटी ऐसे देखते हैं बेटा आईएसटी इधर से आ रही करें इज इक्वल टू आई नॉट यहां तक और आईटीएम क्या होगा घटना शुरू करेगा घटना शुरू होगा सो यस आईएसटी इज नथिंग बट आई नॉट डन। नाउ व्हाट अबाउट वी नॉट, वी नॉट सर स्टिल दिस वन बेटा वी नॉट इज स्टिल बेटा जी वीएस अभी भी हम लोग प्रूव किए थे तो V not is still Vs। Now what about capacitor voltage यार तो capacitor voltage पे भी थोड़ा वर्क करना पड़ेगा और ये वेवफॉर्म भी हमें सही करनी पड़ेगी। ये हो गया बेटा VST हो गया ना VCT अभी भी से कोई चेंज नहीं तो इसको पहले हम लोग बैठा ना T1 को इसको और ले आते हैं T2 वाला स्टैंड यहां तक ऐसे फिर यहां पे भी लाना पड़ेगा PTM यहां तक फिर बाद बाकी हम लोग बात करते हैं इसको भी हम लोग ये हो गया। तो नाउ बेटा इन दिस देन आवर कैपेसिटर वोल्टेज इज नथिंग बट VCT ऐसे रहने दो बाकी अभी हमें किसी की जरूरत है। ठीक है इतनी बात क्लियर है चलिए वेवफॉर्म हो गई आगे बढ़ते हैं बेटा। सो BTM डन ठीक है BTM डन BTM बेटा इन दिस केस विल बी स्टिल ऑन या तो अभी भी क्या होगा जीरो तो BTM बेटा जीरो तो मेन SCR इज ऑन बेटा इन द रेंज ऑफ जीरो से T2 से कम SCR कब तक ऑन रहेगा बेटा मेन SCR जीरो से लेके T2 तक। ओके थोड़ी अपनी स्पीड कम हो गई बिकॉज आपको पता है कंसेप्ट बहुत सारे हो गए हैं। सो इन द रेंज ऑफ बेटा जीरो से T2 तक एटलीस्ट अपना मेन SCR क्या रहेगा ऑन रहेगा। तो आपने कहा यस सर समझ गए जबकि वोल्टेज कम्यूटेशन में क्या हो रहा था बेटा जीरो से लेके पाई के बाद SCR TM जो मेन SCR था वो अपनी नीड के अकॉर्डिंग ऑन था लेकिन यहां पे मैक्सिमम ऑन कब तक रह सकता है बेटा T2 तक बस। ओके ये पॉइंट है तो इतने पॉइंट क्लियर हो गए बाद बाकी सारी वेवफॉर्म आ गई। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि केस थर्ड क्या होगा। सो नाउ केस थर्ड वी टेक इंटरवल T2 से लेके T3 और केस थर्ड में एंट्री लेते हैं। ओके सो केस थर्ड इज नथिंग बट इन द रेंज ऑफ बेटा T2 to T3। केस 2 में क्या होगा था वो आपको समझना पड़ेगा। नाउ वी वांट टू डिस्कस बेटा केस थर्ड और धीरे-धीरे आगे बढ़ते हैं। नाउ बेटा वी वांट टू डिस्कस केस थर्ड ठीक है तो एक पॉज और मैं लेता हूं और वेवफॉर्म सही करके फिर मैं स्टार्ट करता हूं। ठीक है चलो बारा केस थर्ड पे आते हैं। केस थर्ड क्या है केस थर्ड से पहले हम केस 2 को फिर से समझते हैं। तो केस 2 में क्या था अभी तक बेटा केस 2 में TM ऑन था और डायोड ऑन था TM ऑन था बेटा और डायोड D1 ऑन था ठीक है ना और डायोड बेटा D1 ऑन था TM और डायोड D1 का जो वर्किंग यानी कि एक तरीके से बेटा कंडक्शन था वो हमने फील कर लिया। ठीक है नाउ माय क्वेश्चन अराइजिंग हियर बेटा कि at T equal to T2 हमने ये ऑब्जर्व कर लिया कि हमारा मेन SCR क्या हो गया ऑफ। अब इसके बाद की कहानी को हम समझते हैं। ओके So this main SCR, my dear friend, is going to be turned off. Okay?
इसके बाद समझते हैं। सो इन द रेंज ऑफ वी कैन राइट माय डियर फ्रेंड इन द रेंज ऑफ T1 से 0 से T1, T1 से T2, T2 से बेटा T3 ले लेते हैं। इन दिस रेंज नाउ वी विल सी व्हाट विल हैपन। इन दिस रेंज नाउ वी विल सी बेटा व्हाट विल हैपन। ओके चलिए आगे बढ़े। सो इन द रेंज ऑफ T2 टू T3 देन इसके बाद आगे कहानी चल सकते हैं। सो नाउ बेटा D इज ऑन स्टिल और इस कहानी में अभी एक ट्विस्ट है बेटा। देखिए कैपेसिटर इस समय क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है थ्रू द इंडक्टर, तभी तो खाली बनी थी ना, और इंडक्टर के अंदर अभी भी करंट है। यानी कि जरा बात को समझते हैं क्या मैं कहना चाह रहा हूं। तो आई जस्ट वांट टू टेल यू बेटा इन दिस रेंज अगर आपने देखा हो कैपेसिटर करंट, पहली बात तो कैपेसिटर करंट और इंडक्टर करंट अभी तक दोनों सेम ही है बेटा, ऐसे जा रही है। अब देखो यहां पे कहीं पे आप कैपेसिटर करंट को देख रहे हैं तो आपकी दूसरी नजर बेटा इंडक्टर करंट पे भी तो होनी चाहिए। यानी कि सर इंडक्टर अभी क्या हो रहा है, चार्ज हो रहा है, ये ध्यान देना। इंडक्टर अभी क्या हो रहा है, चार्ज हो रहा है, तो आप इंडक्टर करंट को भी फोकस में लाएं कैपेसिटर करंट के साथ साथ। नाउ इन दिस सिचुएशन दिस थिंग इज हैपनिंग और जैसे ही, बहुत ध्यान से सुनना बेटा, जैसे ही टीएम ऑफ हुआ नाउ दिस करंट आईसी, नाम देते हैं जरा इसको, नाउ बेटा दिस कैपेसिटर करंट आईसी, ओके ये वाली, ओके और दिस इज बेटा आई नॉट। ये आईसी और आई नॉट इक्वल हो सकती है क्या? आपने कहा देखो सर रुको, अगर हम कैपेसिटर करंट को ड्रॉ करें प्रॉपरली सो दिस कैपेसिटर करंट बेटा विल लुक लाइक दिस पर साइनसॉइड ऑफ द फंक्शन एंड व्हाट इज इट्स पीक वैल्यू माय डियर फ्रेंड, इट्स पीक वैल्यू इज नथिंग बट बेटा अभी हम लोग डिस्कस किए थे इज नथिंग बट VC0 माइनस अंडर रूट C बाय L। ओके अब ध्यान से समझो बेटा कि हमें ये पता है कि उस इंस्टेंट यानी कि T2 कहां है, फिर आराम से समझना बेटा, ये करंट हमने आई नॉट मान लिए, ये इंटरसेक्शन आई नॉट मान लिया और ये वाला टाइम क्या मान लिया बेटा T2, दिस इज बेटा T1, दिस इज 0। ओके एक एक बात समझना, वहां वेवफॉर्म तो चली रही है, यहां भी समझो। अब इन द रेंज ऑफ बेटा T1 टू T2 तो SCR ऑफ नहीं हुआ ना यार, SCR कब ऑफ होगा बेटा T2 प्लस पे, लेकिन क्या इमीडिएटली ऑफ हो जाएगा? नहीं, रिवर्स रिकवरी प्रोसेस के लिए कुछ टाइम चाहिए। तो T2 के बाद SCR TM ऑफ हुआ, आइडियली हमने ये कह दिया बेटा T2 प्लस पे ही ऑफ हो गया, लेकिन इसके कुछ टाइम तक तो हमें नेगेटिव करंट रखनी पड़ेगी ताकि SCR TM आराम से ऑफ हो जाए। सॉरी शायद मैंने T2 कहीं, नहीं T2 तो टाइम था। तो ध्यान से समझो बेटा, इन द रेंज ऑफ T1 टू T2 SCR TM इज ऑन, बट at T equal to T2 plus SCR TM is off, and after that my dear friend this capacitor current is still sinusoidal। क्यों? क्योंकि हमें सर अभी भी करंट ज्यादा चाहिए, ऐसा ना हो कि SCR TM फिर से ऑन हो जाए। तो एक पहला पॉइंट क्या है डिजाइनिंग कंसीडरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम यहां पे लिख सकते हैं बेटा टू टर्न ऑफ SCR TM बेटा I not must be less than बेटा IC max, तभी तो आपकी कहानी जन्मेगी यार। अगर I not बेटा IC, सॉरी ध्यान से समझना बेटा, अगर I not IC से बड़ा रहा तो आपका कभी भी SCR TM ऑफ हो गई नहीं, यानी कि आपको IC को I not से बड़ा करना ही पड़ेगा, तभी तो बेटा आपका मेन SCR TM ऑफ होगा। Now see, हमने इक्वेशन क्या लिखी थी बेटा, इन द रेंज ऑफ T1 से T2 हमने इक्वेशन लिखी थी। देखो यार मैंने काफी दो तीन बार ये बोला है लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये बेटा मैं दिल सर्व कर रहा हूँ है ना, तो थोड़ा सुन के समझ के कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा अगर आपको कोई डाउट आता है। सो इन द रेंज ऑफ T1 टू T2 जब हम KCL लगाए थे बेटा हमने इक्वेशन लिखी थी ICT प्लस ITM इज इक्वल टू I नॉट। अब बेटा हमने ये कहा कि जैसे ही सर ICT I नॉट के बराबर होगा ITM will be 0, तो यही तो वो पॉइंट है जहां पे ICT I नॉट के बराबर है, तो ऑब्वियसली बेटा ICT बड़ा भी होगा एक टाइम के बाद, क्योंकि अगर आपको प्रॉपर कम्यूटेशन देना है तो ये काम करना पड़ेगा। ओके नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये एक कहानी हो गई, एंड I नॉट बेटा मस्ट बी लेस देन IC मैक्स, सो IC मैक्स विल बी हायर वैल्यू, ओके इन कंपेयर टू I नॉट। अब आगे बढ़ते हैं, जैसे बेटा हम यहाँ पे इस पॉइंट के बाद आगे बढ़े, इस पॉइंट को मैं मार्क कर रहा हूँ बाई डिफरेंट कलर, मान लीजिए ब्लू कलर, जैसे इस पॉइंट के बाद आगे बढ़े बेटा अभी भी आईसी आपकी देखो साइनसॉइडल है और आईसी पीक वैल्यू हमने आई नॉट से बड़ी ली है, तो ऑब्वियसली बेटा इसके बाद आईसी हायर होने लगा। अब देखो आपको ये पता है कि आई नॉट अभी भी क्या रखना है, इसका कांस्टेंट रखना है, तो देखो बेटा अगर आई नॉट कांस्टेंट है यानी कि यहाँ पे लोड में एक इंडक्टर लगा हुआ है जो कांस्टेंट करंट को मेंटेन कर रहा है बेटा, तो ICT ऐसा मान लो I नॉट इज 10 एम्पियर रफली और ICT बेटा T2 के बाद क्या है 10 से बड़ा है, तो मान लो 10.1 मान लेते हैं हम यहाँ 10.1 एम्पियर, यहाँ कितना क्या 10, तो यहाँ पे कितना जाना चाहिए बेटा 0.1 एम्पियर, एग्री करते हो? यानी कि 0.1 एम्पियर इन दिस डायरेक्शन, सो D2 इज कंफर्म ऑन। आप कहेंगे क्या सर D2 को हम ऐसे बता सकते हैं कि वोल्टेज वाइज ऑन होगा कि नहीं, तो मैंने कहा देखते हैं। देखो ये नहीं वोल्टेज, सॉरी
ये रही वोल्टेज पोलैरिटी बेटा, माइनस दिस साइड प्लस दिस साइड, और डी1 ऑलरेडी ऑन है, एसआरटीएम ऑफ हो चुका है। नाउ सी माइनस एंड डीसी, सो माइनस एंड प्लस, सो नाउ वी ऑफ डी2 इज ग्रेटर देन 0, सो डी2 इज ऑन। सो व्हाट वी कैन राइट व्हेन बेटा, बहुत ध्यान से एक एक पॉइंट कैरी करना, एट टी इक्वल टू टी2, एसआरटीएम ऑफ, एसआरटीएम ऑफ, सो बेटा देयरफॉर VAK of D of 2, D2 na beta, is greater than 0, therefore beta, D2 is on, by this outer loop KVL, so beta, extra amount of current will flow through the D2, और ये जो extra amount of current है, वो यहां आ गया beta, और ये देखो, I0 यहां से यहां आ गया, यानि कि I0 still is equal to IS, I naught is still equal to IS. Now the I naught and I of D2 will add and again equal to ICT. So KCL is satisfied. Itni baat clear hai to everyone? Hatai. Itni baat clear hai to everyone? हटाए तो इसका मतलब हम सर यह कह सकते हैं कि जब तक डायोड D2 ऑन रहेगा तब तक ये कहानी चलेगी। अब डायोड D2 कब तक ऑन रहेगा उसको समझते हैं, ठीक है। ये रहा बेटा अपना कैपेसिटर करंट, इसी में ग्रीन कलर करंट से बेटा हम I0 शो कर रहे हैं, देखो ऐसे ये I0। तो मेरा क्वेश्चन ये है बेटा, आराम से समझो, कोई जल्दीबाजी नहीं है। द रीजन जो मैं ये मार्क कर रहा हूं रेड कलर से बेटा, द रीजन this one, in this region, our IC current is higher than I naught, in this region beta, red color region, IC is higher than I naught, और जब तक IC I naught से बड़ा है, तब तक ही तो D2 on है beta, क्योंकि जैसे ही IC की current I naught के equal हुई, या उससे कम हुई, D2 off हो जाएगा, क्योंकि beta, एक बार confirm है, I naught is constant, तो यहां से जो current pass होगी, उसका एक minimum amount, जो इसके बराबर होना चाहिए, वो इससे pass हो, तो यहां पे जो extra amount of current होगा, that will pass through the D2, इसका मतलब सर, यही वो reason है, जिसमें क्या रहेगा, सर, यही वो reason है, जिसमें D2 on रहेगा, और इसमें हमने limit लगा दी, T3, क्योंकि इसके बाद system में कुछ नया change होगा, so this is the reason beta, in which D2 is on. So D2 will conduct only when IC is greater than I0. So D2 on and D2 will conduct, diode D2 beta will conduct in the range beta in which I of CT is higher than I0. Otherwise beta D2 is off. So this is the particular period beta in which our IC, this yellow color period beta, this is the period in which beta our I of CT is higher than I naught. So in this range D2 will conduct. Itni baat bhi clear hai. Now ab is range ke kya hua beta, TM of, dhyan do, TM of, TA of, D1 and D2 both are conducting. So finally hum dekhte hain in this range T2 to T3 beta, D1 and D2 both are on, लिख सकते हैं, both are on, but still बेटा free wheeling diode is off, आप कहोगे कैसे था, देखो, ये ground के respect में VS, VS, यहां पहुंच गया, तो अभी भी ये क्या रहेगा, off रहेगा, now D1 and D2 will conduct, hopefully that is clear, now बेटा D1 and D2 are conduct, और D1 and D2 conduct हैं, तो देखो ये outer में, आपको नहीं दिख रहा बेटा, अभी भी second order undamped system है, ये देखो, अभी भी सेकंड ऑर्डर अनडैम्ड सिस्टम है, तो ये एक अलग ही सर्किट है, और ये बेटा इसके अलावा, लेट मी चेंज दिस कलर, इसके अलावा बेटा ये ब्लू कलर सर्किट एक अलग सर्किट हुआ, ये अलग सर्किट हुआ, सो नाउ वाई के वो वी कैन राइट फ्यू इक्वेशन। तो पहले तो ये एनालिसिस समझ लो, फिर उसके बाद आगे तो यहां पे सर्किट रखते हैं, नाउ बेटा वी वांट बाय के के ओ by KKO, KBL, KCL, and Ohm's law, by KKO, what we can write here? We can write, my dear friend. ध्यान दीजिएगा यहाँ पे. Okay, एक काम करते हैं बेटा, पहले V0 निकाल लेते हैं. तो देखो, ground and so on. So V0 is still equal to VS. तो बेटा V0 अभी भी क्या है? VS है. And IS अभी भी क्या है बेटा? I0 है. ठीक है? अगर हम KCL लगाएं at this node 1. So KCL at node 1, KCL at node 1 beta, node 1, so we can write I of CT beta, capacitor current is equal to I of D2 plus I0, is equal to beta I of D2 plus I0, okay, ho gaya, I of D2 plus I0, inko hata de beta, ye example de samajhne ke liye, okay,
सो आई ऑफ सी टी इक्वल टू बेटा दिस वन। नाउ बेटा आराम से समझिएगा, व्हाट विल बी द आई डी टू, देयरफॉर आई ऑफ डी टू इज नथिंग बट बेटा आई सी टी माइनस आई नॉट। So due to this reason, beta, maximum current of capacitor must be higher than load current. Okay, otherwise our main SCR will not commutate. Okay, otherwise our main SCR will not commutate. And due to this reason, it is called current commutation chopper. Hata is point ko. So this equation is really very very important at this instant. Okay, yahi wo equation hai jisse aapne main SCR ko kya kiya hai, off kiya hai. Aage badhte beta. Now SCR TM, TA and triple A diode are off. So what we can write beta, next point is nothing but, please mind it, I of FD is equal to I of TM is equal to beta I of TA will be zero. Will be zero. तो ये सारी करंट क्या हो गई, जीरो, ठीक है? ये सारी करंट क्या हो गई बेटा, जीरो। अब ICT फंक्शन और PCT फंक्शन क्या होंगे? सर अभी भी सेकंड ऑर्डर अनडैम्प्ड सिस्टम है, सो नो नीड टू मेंशन दैट थिंग, सीधे सीधे लिखो ICT is equal to beta ILT is equal to BC0 minus under root C by L sin omega not T because it's the second order undamped system. And VCT is equal to beta VLT. Okay, because still beta only two elements are present in this case. So it's nothing but VC0 minus into cos omega not T. कहीं पे मैं VC0 minus लिख देता हूँ, कहीं पे VS लिख देता हूँ, तो अपना ध्यान रखिएगा, ठीक है? ये केसेस हो गए। तो ये सारी वेवफॉर्म अपने पास आ गए, इनके सॉरी ये सारे फंक्शन अपने पास आ गए, इनके बेस पे बेटा हम लोग अपने वेवफॉर्म ड्रॉ कर सकते हैं केस थर्ड में जाके। तो केस थर्ड में मेरे साथ जुड़िए, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है? ये रहा, अभी तक बेटा VS और I नॉट पे कोई चेंजेस नहीं है। अब ICT पे आओ बेटा, ICT अभी भी सर कोई चेंजेस नहीं। तो ICT के लिए सर एक नया फंक्शन हम लेते हैं, ये देखो बेटा T I नॉट का फंक्शन, सॉरी I नॉट का रेफरेंस है, दिस इज बेटा I नॉट रेफरेंस, बहुत ध्यान समझो, ये पूरा क्या है बेटा I नॉट है यहां तक। अब जैसे ही बेटा ये इंटरसेक्शन वाला पॉइंट मिलेगा, इसके बाद आपको भी पता क्या होगा, इसके बाद सर D2 विल गेट कम्यूटेटेड, बट अभी तो हम T3 तक है ना, तो यहां तक तो आ गए। इसके बाद बेटा इसी लाइन को हम एक्स्ट्रा आगे बढ़ा देते हैं, ताकि हम इस वाले पीरियड में T2 से लेके T3 वाले पीरियड में अपनी वेवफॉर्म को शो कर पाए, अपनी वेवफॉर्म को बेटा शो कर पाए। ये हो गया, इसके अलावा अभी और चाहिए यहां पर, इसको बाद में देखते हैं। ना बेटा इसको कर देते हैं डॉटेड वन, ये हो गया आईसीटी नो चेंज। Now ITM, sir, in this reason, ITM will be zero. Agree not? अभी भी ITM क्या है? Main SCR is off. So ITM is zero. यहाँ तक रखते हैं। इसके बाद भी zero होगा, तो zero करते हैं क्या? काफी time तक, फिर देखा जाएगा, ताकि मुझे बार बार color change ना करना पड़े। So ITM बेटा zero. So TM SCR will commutated at T equal to T2. Now next बेटा ITA, sir, ये तो zero ही रहेगा, तो इसको भी हटा देते हैं। So ये यहाँ तक तो capacitor करें, उसके बाद बेटा zero for rest. Now, what about ID1, sir? ID1 बेटा अभी खतरनाक चल रहा है, ओके? तो देखो ID1 यहां तक तो जीरो था बेटा, इसके बाद let me change this color, इसके बाद बेटा जी ID1 यहां से लेके अभी यहां तक तो यही चलेगा, यहां तक। इसके बाद क्या होगा, we will see, but यहां से लेके यहां तक तो बेटा कैपेसिटर करंट ही है ना, ID1 कैपेसिटर करंट यहां तक बस, ओके? इसके आगे का मैं हटा देता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे, ये हटा दिया बेटा, ये हो गया। So now in this region you can understand. Now इसके अलावा बेटा ID2, इसलिए मैं देखो ID2 अभी समझाया, ICT minus I0, ICT is cosine function, sorry sine function minus I0, तो ये भी क्या रहेगा बेटा, sine function, क्योंकि किसी भी sine से अगर आप ये value निकालते हैं बेटा, क्या ये value निकालते हैं बेटा constant, तो sine shorter भी रहेगा। Now बेटा start from zero and will terminate at zero, okay? So IC minus I0, या ऐसे समझ लो, देखो आसान है, अगर हम बेटा ये आईसी ड्रॉ कर दे ऐसे, आईसी ड्रॉ कर दे बेटा ऐसे, और ये आई नॉट है, तो इतने वाले रीजन में तो हमें करंट चाहिए बेटा, और यही करंट क्या होगी, आई ऑफ डी टू, आई ऑफ डी टू। सो बेटा आईसी से अगर आई नॉट को माइनस कर दें, तो स्टिल इट विल बी साइनसॉइडल फंक्शन, सो दिस इज साइनसॉइडल फंक्शन, एंड आफ्टर दैट बेटा यू नो वेरी वेल यार, डायोड डी टू विल गेट टर्न ऑफ। तो ओके, बाद में देखते हैं उसको कि ऑफ होगा कि नहीं होगा, बट मैं बता देता हूँ कि डायोड डी टू विल बी ऑफ। सो उसके बाद करंट क्या होगी, जीरो। इस पे आओ बेटा, I of FD, सर अभी भी ऑन नहीं हुआ, तो अभी भी जीरो।
ओके ना बेटा आईएसटी सर अभी भी आईएसटी इज इक्वल टू आई नॉट है, तो सर ये अभी भी आई नॉट हो गया, ठीक है। आगे बढ़ो सर, वी नॉट, सर वी नॉट अभी भी वी एस है, नो चेंज, वी नॉट सर अभी भी वी एस है, सो नो चेंज सर जी, सो वी नॉट इक्वल टू वी एस स्टिल एंड नो चेंज। ओके आगे बढ़ो, कैपेसिटर वोल्टेज सर अभी भी ये कोसाइन फंक्शन है, सो इट इज कोसाइन फंक्शन बेटा अप टू लाइक दिस, लेट मी चेंज दिस कर्व, हां सो दिस पॉइंट टू बेटा दैट पॉइंट इट इज नथिंग बट कोसाइन फंक्शन, इट इज नथिंग बट इसको एक बार ऐसे बना कोसाइन फंक्शन। ओके यहां तक, सिर्फ यहां तक इतना ध्यान रखना, दिस टाइम इज बेटा जीरो, this time is t1, this time is t2, this time is t3, so up to t3 it is cosine function, uske baad ka hum draw nahi kar rahe hain to isko hata dete hain, baad mein dekhenge kya hoga beta, up to this it is cosine function, now next pe aaye vtm, vtm kya hoga beta in this case, to is vtm ko hum samajhte hain kya hona chahiye, vtm kya hona chahiye, to zara dhyan samjho beta इस केस में, पर्टिकुलर केस में जो अपना SRTM है बेटा उसके अक्रॉस क्या लगा हुआ है डायोड, तो जितना डायोड का वोल्टेज होगा अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो वो आएगा, और नहीं तो नहीं आएगा कोई वोल्टेज, भाई ऊपर से D2 ऑन है ना, ऊपर से D2 ऑन है तो आपको पता है बेटा यहाँ पे इस जगह SR के अक्रॉस कुछ नेगेटिव वोल्टेज आ रहा होगा प्रैक्टिकली, दैट विल बी माइनूट नेग्लिजिबल, और आइडियल केस में जीरो, बट ऐसे देखो यार SRTM यहाँ ऑन है इन द रेंज ऑफ बेटा T2, सॉरी इन द रेंज ऑफ बेटा T2 से T3 में क्या है, नीचे से SRTM ऑफ है और ऊपर से डायोड डी ऑन है, तो अगर जो भी वोल्टेज इसके अक्रॉस आएगा आएगा तो वो डायोड का, और वो आएगा इसके रिवर्स में, तो अगर आप प्रैक्टिकली चाहो तो शो कर दो और आइडियली चाहो तो शो मत करो, तो मैं प्रैक्टिकली और आइडियली के बीच की एक रेंज ले लेता हूं जस्ट ये दिखाने के लिए कि इसमें SR आपका कम्यूटेट हो रहा है, तो यही वो रेंज है बेटा VTM की जिसमें SR कम्यूटेट होगा, तो वेरी स्मॉल, जस्ट इसलिए नहीं दिखा रहे कि हमें वोल्टेज दिखाना है, इसलिए दिखा रहे कि यही वो जोन है जिसमें SR कम्यूटेट होगा। ओके आप चाहो तो इसे जीरो भी दिखा सकते हो, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, चलो मैं इसको जीरो कर देता हूं, जीरो करने के बाद बेटा आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि दिस इज द कम्यूटेशन रेंज, यही क्या है बेटा कम्यूटेशन रेंज, यही क्या है कम्यूटेशन रेंज, तो इसको लिख देते हैं बेटा इन दिस रेंज अवर SR विल कम्यूटेट, सो दिस इज कम्यूटेशन पीरियड, अगर इतने के बाद भी ऑफ नहीं हुआ तो फिर SR आपका ऑफ होगा भी नहीं, ये ध्यान रखना है, तो फिर बेटा आपका SR ऑफ होगा भी नहीं, ये ध्यान रखना है, ठीक है, ये रहा, सो दिस इज द कम्यूटेशन रेंज। अब देखो सारी वेवफॉर्म हो गई अभी तक जो, और कोई वेवफॉर्म है नहीं, अब चलते हैं केस अगले पे और देखते हैं बेटा कि जैसे करंट IC I0 के बराबर होगा अब क्या होगा। ओके सो नाउ केस 4 वी वांट टू डिस्कस, ओके केस थर्ड हो गया बेटा, नाउ केस फोर, चलिए आगे बढ़े, थकना नहीं, थोड़ा लंबा टॉपिक है, नाउ केस फोर इज नथिंग बट इन द रेंज ऑफ बेटा T3 से T4, यहां पे आ जाए इन द रेंज ऑफ T3 से T4, एक्चुअली में क्या हो रहा था बेटा इससे पहले, आपने कहा सर इससे पहले तो हमारे डायोड D1 और D2 ऑन थे, हमारे डायोड बेटा D1 और D2 क्या थे, ऑन थे, मैंने कहा ठीक है यार इन्हें ऑन रखिए अभी फिलहाल में, फिर देखते हैं क्या होगा, तो मैंने ये कहा बेटा डायोड D1 ऑन है, ओके एंड डायोड D2 भी ऑन है मान लो ये ना, बट हमें पता है यार ICT किसके बराबर थी, सर ICT ऐसे लिखते हैं बेटा आराम से अच्छी राइटिंग में सही से, क्या लिखते हैं इन द रेंज ऑफ बेटा T2 टू T3, ध्यान देना पिछले टाइम को देख रहे हैं, इज नथिंग बट ICT इज इक्वल टू I not plus बेटा I of D2T, ठीक है ना, और इसी रेंज में अगर आप देखें तो आपको कैपेसिटर करंट बेटा ऐसी मिलेगी, कैपेसिटर करंट will look like this one बेटा, कैपेसिटर करंट will look like this one बेटा, और इसी में अगर हम I not करंट देखें तो that will be this one, इतनी बात तो यार क्लियर हो गई होगी ना, इतना कहां परेशान होना, now see बेटा this period is zero, this instant is T1, this is T2 बेटा, that one is T3, लेकिन after T3 देखो बेटा यार capacitor current क्या हो रही है, decrease हो रही है, कम हो गई किससे, I not से, so after T3 बेटा IC is less than I not, so ये point हमें यहाँ पे लिखना है, इसको हटा के हम यहाँ देते हैं, ठीक है यहाँ रख देते हैं for the better understanding, so what we can write यहाँ पे लिख देते बेटा at T is equal to T3 plus IC is magnitude by beta is lower than I naught, is lower than I naught. So what will happen beta? So what will happen? No extra amount of current will flow through diode D2. अब कुछ है ही नहीं बेटा इसके पास एक्स्ट्रा, तो वो D2 में जाएगा कहां से? क्योंकि भाई अगर इसे 10 एम्पीयर चाहिए तो यहां से बेटा 10 तो सीधे यही चला जाएगा, जब यहां 10 से ज्यादा होगा तब D2 में जाएगा, so what will happen beta at this instance, so diode D2, so diode
D2 will off. So diode D2 will off. इतनी बात क्लियर है, यानी कि at T equal to T3 plus बेटा, at T equal to T3 plus this diode will be off. तो ये diode हमने कर दिया off. Then इतना. Now बेटा try to understand यार. अब फिर से हम इस कहानी को समझते हैं. देखो यहां से बेटा आपको ये पता है, बहुत ध्यान से समझना क्या पता है. यहां से ये देखो, ये ऐसे 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 ये फ्लो होने लगा, ये फ्लो होने लगा. बट आप ऑब्जर्वेशन करें बेटा, इसके जस्ट बाद आपकी आई नॉट करेंट ही तो इंडक्टर से पास हो रही है. इसके जस्ट बाद बेटा आपकी आई नॉट करेंट ही तो इंडक्टर से पास हो रही है. तो इसका मतलब अब क्या हो गया सर, दिस कैपेसिटर और इंडक्टर बोथ करेंट विल बी एग्जैक्टली कॉन्स्टेंट बिकॉज आई नॉट इज कॉन्स्टेंट यार. So what we can say बेटा, in this duration आप कहोगे तो sir D1 क्यों off नहीं हुआ, क्योंकि बेटा inductor अभी देखो charge है, inductor के पास कुछ current है, कुछ energy है, और inductor एकदम से अपनी current zero नहीं करेगा. इसलिए T equal to T3 plus पे आप D1 को off नहीं कर सकते, but D2 off हो गया, D2 off हो गया. Okay, hopefully this thing is clear. So in the range of बेटा T3 to T4, obviously free wheeling diode will not conduct at this instant. So only D1 will conduct. तो क्या लिख दिया जाए बेटा, Only D1 will conduct. Only D1 will conduct. Only D1 will conduct. So when D1 only conduct, now it are D2, TM, TA, all are off. So now this circuit will look like this one. Okay. और आपको भी पता बेटा, जब तक ये डायोड D1 ऑन है तब तक कहानी फ्री व्हीलिंग डायोड की थोड़ी गंभीर रहेगी. अब जब डायोड D1 में इंडक्टर डिस्चार्ज होने लगे तो शायद फ्री व्हीलिंग डायोड ऑन हो. कैसे? We will see. तो इतना तो केस के लिए. अब बेटा बस मुझे इस केस में ये बताओ, जब D1 ऑन है तो आउटपुट वोल्टेज क्या होगा? आपने कहा रुको सर समझने दो. अगर हम इसमें कैपेसिटर वोल्टेज को देखें बेटा, तो कैपेसिटर वोल्टेज विल बी येलो कलर. देखो ये करंट है, तो कैपेसिटर वोल्टेज will be this one ना, capacitor voltage will be this one. अब यहाँ पे देखो, इसके बाद बेटा capacitor voltage polarity change हो गई होगी यही के बीच में, यानी कि T3 plus पे तो यही voltage polarity होगी. तो यानी कि अभी capacitor क्या हो रहा है बेटा, charge होने लगा है. चेक करते हैं ना, अभी यहाँ पे capacitor क्या हो रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक capacitor क्या हो रहा है, charge हो रहा है, और T3 उसके पहले ही है. ओके ना बेटा, T3 के बाद देखो यहाँ भी capacitor charge हो रहा है, उसके बाद कहीं discharge होना शुरू करेगा. ऑब्जर्वेशन करो बेटा, यहां पे कैपेसिटर की वोल्टेज पोलैरिटी चेंज हो गई है हमें T3 प्लस पे, और T3 प्लस पे अपने पास कैपेसिटर का वोल्टेज क्या है, ये कोई वोल्टेज है बेटा जो इस वाली मैक्सिमम वैल्यू से थोड़ा भी कम है, थोड़ा भी कम है. ओके ना बेटा, पोलैरिटी लेकिन यही है, पोलैरिटी यही है, प्लस माइनस. ऑब्जर्वेशन करना, -Vs -Vs एंड +Vs. ओके अब आप कहोगे सर ये Vs नहीं होगा, ये तो ये वाला वोल्टेज होगा. मैंने कहा यार, तो इसे VC मान लो बेटा. ओके बेस्ट होगा, इसे अभी VC मान लो. तो -Vs +Vc प्लस, ये भी तो है बेटा इंडक्टर वोल्टेज, VL प्लस VL इज इक्वल टू बेटा V0, और सॉरी प्लस V0 इक्वल टू 0. सो अगर हम इस पे KVL लगाएं तो ऐसे देख लें आराम से, पहले एक एक पॉइंट कैच करो फिर आगे बढ़ते हैं. नाउ इन दिस केस बेटा ओनली डायोड D1 विल कंडक्ट. इन दिस केस बेटा ओनली डायोड D1 विल कंडक्ट. 1:48:58, मतलब 1:47 हो गए हैं, है ना. सो इन दिस केस बेटा बाय केवीएल व्हाट वी कैन राइट, दिस आउटर लूप इक्वेशन, इसके साथ साथ बाकी इक्वेशन तो इनको शुरू करते हैं. तो आगे लिखते हैं बेटा बाय केकेओ. अब ये अनडैम्प्ड सिस्टम हट चुका है आपका. तो नाउ बाय केकेओ क्यों सेकंड ऑर्डर अनडैम्प्ड हट गया बेटा, क्योंकि एम और सी के साथ पूरा सिस्टम आ गया एक साथ. सो बाय केकेओ व्हाट वी कैन राइट बेटा, वी कैन राइट इक्वेशन देखो, -Vs प्लस VCT प्लस बेटा VL. ओके सॉरी ट्राई टू अंडरस्टैंड बेटा, इन दिस केस इंडक्टर क्या हो रहा है, देखो डिस्चार्ज हो रहा है इंडक्टर, ये करंट डिक्रीज हो रही है ना, इंडक्टर वोल्टेज पोलैरिटी विल लुक लाइक दिस वन, माइनस एंड प्लस, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ करंट तो ऐसी है ना बेटा, डायरेक्शन ऑफ करंट ऐसी है. -VL प्लस V0 इज इक्वल टू 0. ओके नाउ व्हाट विल बी द V0, सो देयरफॉर V0 इज इक्वल टू बेटा, we can say Vs plus VLT and minus beta VCT. Check करो, मैं तो कुछ नहीं हूँ बेटा, simple KVL equation है, मैं तो बस लिख दिया हूँ. Okay, आराम से. In this case, what will happen, sir? Inductor current is going to be decreased. Inductor current is going to be decreased. Okay, आप कहेंगे सर ऐसे कैसे decrease होगी? मैंने कहा रुको अभी समझाते हैं. आप कहेंगे नहीं सर, भाई inductor current decrease थोड़ा होगी सर, इसके बाद तो inductor current constant हो गई है. मैंने कहा ठीक है यार, constant मान लो, कोई ना. चलो देखते हैं ठीक है. तो फिलहाल बेटा अगर हम T3 प्लस पे जस्ट देखें तो इंडक्टर करंट ये व्हाइट कलर है,
तो अभी तो घट रहा था बेटा इससे पहले, तो अभी भी क्या है ऐसा कुछ, तो पोलैरिटी हमने ऐसी रखी ताकि इंडक्टर ऐसा लगे कि पावर डिलीवर कर रहा है, और वैसे भी कर रहा था इससे पहले। ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो दिस इज द वे। अब नाउ बाय व्हिच बेटा व्हाट वी कैन से Vs इक्वल टू Vs प्लस Vn माइनस Vc, यानी कि कैपेसिटर सॉरी आउटपुट वोल्टेज है बेटा वो अब Vs नहीं है, Vs से काफी कम है। ओके तो देखा जाए तो ये V0 इक्वल टू Vs प्लस VLt माइनस Vc की, और कैपेसिटर वोल्टेज लगभग Vs के बराबर है क्योंकि मामला करीबी करीबी गया है, तो ये वोल्टेज क्या होगा बहुत स्मॉल होगा और धीरे धीरे घटने लगेगा। कैसे घटेगा समझिए उस बात को। तो अभी फिलहाल में एक V0 की इक्वेशन ये आ गई और इस V0 की इक्वेशन को हमने डिब्बे में बंद कर दिया। ठीक है, आउटपुट वोल्टेज जो इस बार थोड़ा डिफरेंट है, जो इस बार थोड़ा डिफरेंट है। नाउ बेटा अनदर पॉइंट वी वांट टू अंडरस्टैंड यार, हियर हमें ये पता बेटा कैपेसिटर डज नॉट अलाउ सडन चेंज ऑफ वोल्टेज एंड इंडक्टर डज नॉट अलाउ सडन चेंज ऑफ करंट बेटा, एंड इन दिस रीजन, इन द रीजन ऑफ T3 टू T4 कौन सा चल रहा है ये T3 टू T4 बेटा, इन दिस रीजन दिस कांस्टेंट करंट इज गोइंग टू बी फ्लो इन दिस फैशन समथिंग लाइक दिस। सो व्हाट विल हैपन बेटा इन दिस पीरियड, बहुत सीरियस है ना, इन दिस पीरियड बेटा आवर ICT इज इक्वल टू ILT इज इक्वल टू यार I0 इज इक्वल टू IS इंडक्टर करंट से, बस यही तो है जो जल्दी से चेंज नहीं होगी, एकदम से चेंज नहीं होगी। ID1, IS, I0 तो कॉन्स्टेंट ही है, ICT कोई फर्क नहीं पड़ता। इंडक्टर करंट से जरा बात करते हैं कि तुम क्या कह रहे हो तो जरा ध्यान देना बेटा, अगर मैं यहां पे ऐसे बात करूं कि आफ्टर दिस इंस्टेंट T3 आवर लोड करंट विल बी कांस्टेंट, देखो ऐसे बना दे पिंक कलर से बेटा, दिस सॉरी कैपेसिटर करंट बेटा विल बी कांस्टेंट तो व्हाइट कलर से, अभी तक कैपेसिटर करंट ये थी तो इसको हटा दे बेटा छोटा सा, और अब यहां पे ऐसे देखो ऐसे कैपेसिटर करंट, यानी कि कैपेसिटर करंट आपको प्रैक्टिकली कुछ ऐसी दिखेगी साइनोसॉइडल अप टू दिस बेटा है ना, अप टू दिस this one T3 and after T3 beta this capacitor current will be constant and capacitor current is equal to also inductor current, ye aapko bhulna nahi hai, so this ICT current my dear friend is also equal to beta ji inductor current, hame capacitor current se matlab nahi tha, hame inductor current se matlab hai, aur dekho abhi tak to koi current change hua nahi hai। now next beauty is that beta upar positive hai niche negative hai, to capacitor to charge hi ho raha hai na, कैपेसिटर तो चार्ज ही हो रहा है बेटा, इन दिस केस कैपेसिटर चार्ज हो रहा है और इंडक्टर ऑलमोस्ट फुली चार्ज हो गया क्योंकि कांस्टेंट करंट दे दिया, फुली चार्ज का मतलब करंट कांस्टेंट हो गया कुल मिला के। अब जरा खूबसूरती देखो क्या हो रहा है, आफ्टर T3 प्लस व्हाट विल हैपन, मैं आपको ऐसे कहना चाह रहा हूं बेटा कि अगला एक टाइम मान लो आप T4, ओके अगला एक टाइम इंस्टेंट मान लो आप T4 रफली जस्ट एक टाइम मान लो बेटा T4, और मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं बेटा अगर अगला टाइम कोई आपने T4 मान लिया यहाँ पे, मैंने सिर्फ ये कहा यार कि इन द रेंज ऑफ T3 टू T4 बेटा योर आईसी करंट इज पॉजिटिव, सॉरी आईसी करंट इज पॉजिटिव एज वेल एज बेटा कांस्टेंट, तो बस ये मुझे बता दो बेटा जब तक ये I0 करंट है वो तो डाउनवर्ड ऐसे ही फ्लो होगी और कैपेसिटर चार्ज हो रहा है इससे पहले, तो अभी भी तो कैपेसिटर चार्ज होगा, डिस्चार्ज होने का कोई रास्ता है नहीं इसके पास, यानी कि सर कैपेसिटर तो चार्ज होगा और ये कैपेसिटर चार्ज होते 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 एक टाइम पे तो बेटा पूरा चार्ज हो जाएगा, और जैसे कैपेसिटर पूरा चार्ज होगा हमें नहीं पता कहां, लेकिन ये कंफर्म है कि बेटा कहीं ना कहीं तो पूरा चार्ज होगा, और जहां पे पूरा चार्ज हुआ कैपेसिटर भड़ाक से ओपन और इंडक्टर कहेगा भाई गधे हो क्या, हमारे थ्रू तो कांस्टेंट करंट फ्लो हो रही थी, फील करना यार मजा आ जाएगा बॉस, देखो ये करंट ऐसे फ्लो नहीं बेटा कैपेसिटर चार्ज होगा एक टाइम पे, जहां भी कैपेसिटर चार्ज होके ओपन होने लगा इंडक्टर ने कहा गधे हो क्या बे, हमारे अंदर से कांस्टेंट करंट फ्लो हो रही है, अगर तुम एकदम ओपन हो जाओगे तो हमारी करंट तो एकदम जीरो होगी, और हम सडन चेंज ऑफ करंट का अपोज करते हैं, तो कैपेसिटर ने कहा हमें क्या करना, तुम अपना देखो हम अपना देख रहे हैं। इंडक्टर को आया गुस्सा, उसने कहा ऐसे तो नहीं, हम तो सडन चेंज ऑफ करंट का अपोज करते हैं, कैपेसिटर चार्ज होकर ओपन ही होने जा रहा था कि इंडक्टर को रिलायंस हो गया कि कैपेसिटर अगर ओपन हो गया तो उसकी करंट तुरंत जीरो हो जाएगी क्योंकि सीरीज में कनेक्टेड है, तो इंडक्टर उसी स्टैंड पर फिर से अपनी पोलैरिटी क्या कर दी,
चेन एंड नाउ इट विल बिहेव एज ए सोर्स अगेन। यानी कि इससे पहले इंडक्टर सोर्स था T3 तक, T3 के बाद कुछ टाइम के लिए लोड बना, चार्ज हुआ, और जैसे ही कैपेसिटर ओपन होने लगा होगा वैसे ही बेटा इंडक्टर की पोलैरिटी चेंज करके फिर से क्या बन गया, सोर्स। यानी कि अब ये कैपेसिटर बेटा दो एलिमेंट से चार्ज होने जा रहा है, इंडक्टर से एज वेल एज सप्लाई से, इंडक्टर से एज वेल एज सप्लाई से। प्लीज माइंड इट, सी हियर दिस ब्यूटीफुल इक्वेशन, दिस ब्यूटीफुल इक्वेशन सेज दैट VCT इज इक्वल टू बेटा VS प्लस VLT, फॉरगेट अबाउट V0, व्हाई वी विल डिस्कस, forget about V0. So this VCT is nothing but beta VS plus VLT if V0 equal to 0. For time being, you just say V0 equal to 0. So VCT equal to VS plus VLT, it means supply and inductor both will charge a capacitor. अब चलते हैं एक बार step up chapter में, शायद आपको याद हो, जब भी ऐसा कुछ होता है कि सप्लाई के साथ कोई और एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट पावर डिलीवर करने लगे तो आपका कैपेसिटर या आपका लोड सप्लाई की वोल्टेज के रिस्पेक्ट में ज्यादा वोल्टेज को भी फेस कर सकता है, और वही किस्सा यहां हुआ। यानी कि बेटा यहां तक कोई दिक्कत नहीं है जहां तक आपका कैपेसिटर चार्ज नहीं हुआ है, अभी चार्ज हो रहा है, स्टडी स्टेट में नहीं पहुंचा। जहां ये कैपेसिटर स्टडी स्टेट में पहुंचेगा वहीं पे इंडक्टर इसका अपोज करेगा कि चाचा तुम एकदम से ओपन नहीं हो सकते, और वहीं पे इंडक्टर अपनी ही पोलैरिटी चेंज करके क्या बन जाएगा, एज ए सोर्स काम करेगा। तो आप समझ सकते हैं करंट कम्यूटेशन की कॉम्प्लेक्सिटी। ओके, इसलिए अब बेटा हमने एक इसमें पीरियड और माना, सॉरी एक टाइम इंस्टेंट और माना, जिसे हमने कहा बेटा T5, जिसे हमने कहा यहाँ पे, सुनिए, जिसे हमने कहा बेटा यहाँ पे T5, और T4 को यही रहने दे, T5 तक यहाँ ले जाए। अब मेरी बात को समझना यार गंभीर होके, मैं ये कह रहा हूं बेटा T3 से T4 तक जब तक ये करेंट कॉन्स्टेंट है, आप बताओ मुझे कैपेसिटर वोल्टेज क्या होना चाहिए। बहुत ध्यान से देखो, ये है, ये व्हाइट कलर कैपेसिटर करंट, येलो कलर कैपेसिटर वोल्टेज, अब कैपेसिटर करंट क्या हो गई सर, कांस्टेंट, तो कैपेसिटर वोल्टेज रैंक। यानी कि सर T3 से T4 तक, बहुत ध्यान से ना बेटा, T3 से लेकर T4 तक कैपेसिटर वोल्टेज क्या हुआ, रैंक। उतना स्पेस सही से नहीं है इसलिए मैं अच्छे से नहीं बना पा रहा हूं, बट ये रैंक है बेटा, राइजिंग रैंक। और जैसे ये वाली वैल्यू बेटा इस VC0- मतलब VS के बराबर होने लगी, जैसे ये उतना अच्छा नहीं बन पा रहा बेटा, रुको एक काम करते हैं ये हटा देते हैं, सॉरी ये हटा देते हैं, और थोड़ा इसको बड़ा बनाएंगे तो अच्छे से मैं आपको दिखा पाऊंगा। जैसे ये बेटा कैपेसिटर वोल्टेज है, ऐसे ये बेटा कैपेसिटर वोल्टेज, यहीं पे रुक जा, ये कैपेसिटर वोल्टेज है, ठीक है। अब बेटा इसके बाद कैपेसिटर क्या हुआ, जहां पे करंट कांस्टेंट है, कैपेसिटर इज स्टार्ट टू राइज, ऐसे रैंप जैसे चार्ज बना शुरू किया, और जैसे ही बेटा ये VS पे पहुंचा, देखो जैसे ही ये VS पे पहुंचा होगा वहां पे T4 पे, जैसे VS पे पहुंचा इंडक्टर का कैपेसिटर ओपन होने लगा क्योंकि वो चार्ज हो चुका है। कैपेसिटर नहीं चचा, ऐसे नहीं, हमारी करंट जीरो हो जाएगी, और इसी इंस्टेंट पे बेटा यहां पे इस जगह नाउ इंडक्टर विल वर्क एज ए सोर्स। यानी कि T3 से लेकर T4 तक बेटा इंडक्टर एंड कैपेसिटर both will absorb power, short में लिख दिया। Now after this बेटा inductor will behave as a source, तो inductor और supply दोनों capacitor को charge करेंगे, और दोनों करेंगे बेटा, तो एक parabolic function randomly ऐसा कुछ हो जाएगा इस तरीके से, ऐसे। अभी अब आप ध्यान से समझे, जब इंडक्टर एज ए सोर्स वर्क करेगा तो इंडक्टर की एनर्जी घटेगी, और जैसे इंडक्टर की एनर्जी घटने लगी, ये क्या हुआ सर, इंडक्टर की एनर्जी घटेगी तो इस वायर के थ्रू करंट घटने लगेगी। मान लो बेटा कि लोड करंट इज 10 एम्पियर कांस्टेंट, और जैसे ही इंडक्टर एज ए सोर्स वर्क करना शुरू किया, ये करंट तो लेस देन 10 हो जाएगी चाचा, लेकिन ये इंडक्टर थोड़ा डिस्चार्ज हो रहा है अभी, ये इंडक्टर थोड़ा डिस्चार्ज हो रहा है अभी। अब सर तो फिर क्या है कि सर अगर ये करंट घटी लेस देन 10 हुई और ये 10 ही है अभी भी, तो दिक्कत आ जाएगी। तो इसका मतलब सर जैसे इसे फील हुआ, इस लोड इंडक्टर को फील हुआ कि ये करंट लेस देन 10 है, ये अपनी वोल्टेज पोलैरिटी क्या कर देगी, चेंज, क्योंकि ये भी तो सडन चेंज ऑफ करंट का अप्रोच करेगा, और जैसे ये अपनी वोल्टेज पोलैरिटी को चेंज करेगा इंडक्टर, व्हाट विल हैपन, तालियां बज जाते हैं कभी कभी ऑफलाइन क्लासेस में, दिस फ्री व्हीलिंग डायोड विल स्टार्ट कंडक्ट। ओके, सी प्रॉपरली, अगेन आई वांट टू रिपीट दिस कंसेप्ट, T3 से लेकर T4 व्हाट विल हैपन बेटा,
In the range of T3 to T4, this current I0 is going to be passed through this capacitor and inductor. So inductor or capacitor current both will be constant. And in this reason, capacitor will start to charge. After some time, matlab maan lijiye T3 se kuch time ke baad, T4 pe this capacitor C beta jo bhi hai, will get almost fully charged and will try to gain a steady state position from the supply voltage Vs. But जैसे ही कैपेसिटर स्टेडी स्टेट में पहुंचना चाह चार्ज होके और ओपन होना चाह या खुद को ओपन करना चाह, इंडक्टर ने कहा रुको, हमारे थ्रू भी वही करंट फ्लो हो रही जो तुम्हारे थ्रू हो रही है। माना कि तुम सडन चेंज ऑफ करंट अलाउ कर सकते हो बट हम नहीं कर सकते हैं। कैपेसिटर ने कहा जो करना हो कर लो, हम तो अपना स्टडी स्टेट में जा रहे हैं। इंडक्टर ने रुको, हमारे पास एनर्जी है, ताकत है। इंडक्टर ने तुरंत अपनी वोल्टेज पोलिटी चेंज की, लेकिन गहमा गहमी में भूल गया कि खुद डिस्चार्ज होने जा रहा है और कुछ नहीं, जुनून में तेवर तो दिखा दिए लेकिन खुद की एनर्जी वेस्ट कर रहा है। बट अब करे क्या, एक एक चीज तो बचेगी उसकी, जो नहीं होता है ताव तो बचेगा उसका कि सडन चेंज ऑफ करंट चेंज नहीं होता है। ओके, अगर वो एकदम से कैपेसिटर को अलाउ कर दे कि भैया तुम ओपन हो जाओ, तो इसका सडन चार्ज ही चेंज हो गया। और धीरे धीरे चेंज तो इंडक्टर वैसे भी करता है यार, इतनी बड़ी बात कहाँ है। सो बेटा जैसे T3 पे T4 पे कैपेसिटर फुली चार्ज होने की कोशिश करेगा, इंडक्टर अपनी ही पोलैरिटी चेंज करके सोर्स जैसे वर्क करेगा और तब तक करता रहेगा जब तक कि उसके पास एनर्जी है। इसी पीरियड में बेटा कैपेसिटर सप्लाई वोल्टेज से ज्यादा चार्ज हो जाएगा। अब जब जैसे बेटा हम T4 की बात पहुंचे, जैसे इंडक्टर एज ए सोर्स वर्क करेगा तो इसकी करंट तो बेटा 10 से कम होने लगेगी, तो ये इंडक्टर लोड का कहेगा भी ये क्या हो गया, तो ये अपनी भी पोलैरिटी चेंज करेगा। और अपनी पोलैरिटी जैसे ही चेंज की, फ्री ब्लिंक डायोड इसी के इंतजार में तो बैठा था, बहुत हो गया, हमें कंसीडर ही नहीं कर रहे, तुरंत ऑन हो गया। Now it are this diode D1 and freewheeling diode will conduct together for a certain time period, and that time period मोटा मोटी भी क्या consider T4 to T5। तो पहले हम T4 तक पहुंच लें, not T4 to T5, T3 to T4, और फिर बेटा एक point ऐसा आएगा जहां पे ये inductor fully discharge हो जाएगा, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ freewheeling diode on रहेगा, अभी इतना clear है, एक pause ले लें, है ना, फिर आगे। अब बालक बात करते हैं T3 से T4 की फिर से। तो इसमें क्या होगा बेटा, सबसे पहले इंडक्टर डिस्चार्ज होना शुरू करेगा, थोड़े टाइम तक चार्ज होगा, फिर डिस्चार्ज होना शुरू करेगा, और इसी ड्यूरेशन में बेटा कैपेसिटर वोल्टेज राइज करेगा। तो इन्हीं सारे पॉइंट्स को हम लोग आगे ले चलते हैं, ठीक है। अब जरा ध्यान रखिएगा कि जैसे ही आप T3 में एंटर करेंगे बेटा, तो T3 से लेकर T4 में आपका डायोड D1 और फ्री व्हीलिंग डायोड दोनों ऑन रहेंगे। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, इन द रेंज ऑफ D1 ओनली D1, नाउ ओनली D1 की जगह अब हम चेंज करते हैं, सो नाउ बेटा डायोड D1 एंड फ्री व्हीलिंग डायोड विल कंडक्ट, डायोड D1 एंड फ्री व्हीलिंग डायोड विल कंडक्ट। Hopefully this thing is clear to everyone. तो ये एक स्टोरी है, यहां तक इतना ध्यान रखना बेटा, हमेशा नहीं कुछ रेंज तक। तो इस रेंज को हम दो पार्ट में डिवाइड कर दे क्या बेटा, ओके चलिए, तो इस रेंज को हम ऐसे करते हैं बेटा, ओनली D1 ही कंडक्ट रखते हैं, ओनली D1 विल कंडक्ट, कब तक, इसको ऐसे कर देते हैं हम लोग, ओनली D1 विल कंडक्ट, ऐसे कर देते हैं, only D1 will conduct, and in this reason puri screen chali gayi, okay, mosquito bahut hai yaar, so only diode D1 will conduct, okay। ab hum ye keh rahe beta ki D1 tab tak on rahega jab tak ki capacitor अपनी स्टेडी स्टेट वैल्यू को रीच ना करे। जैसे ही कैपेसिटर Vs को गेन करने वाला होगा, वहीं से इंडक्टर एज ए सोर्स वर्क करेगा। तो अगर हम इतनी कहानी को बेटा वेवफॉर्म में ले जाएं, तो वी कैन से हियर, ओके, अगला पॉइंट लेते हैं T4, और T4 को बेटा ड्रॉ करते हैं इतने में, ठीक। तो T3 और T4 ये हो गया, इसी में हम ले चलते हैं आगे, यहां से यहां तक। तो देखिए ICT, और इस रेंज में बेटा ना ICT को हम लोग बोल देते हैं नाउ सर इट इज कॉन्स्टेंट, नहीं हो रहा है कोई ना, नाउ सर इट इज कॉन्स्टेंट। सो इन दिस रीजन बेटा वी वॉन्ट टू रिमूव दिस ICT, नाउ इट इज नॉट साइनसॉइडल फंक्शन बेटा, सो नाउ इट इज कॉन्स्टेंट फॉर ए सर्टेन पीरियड, इतना मान लेते हैं हम लोग रफली, नाउ बेटा इट इज कॉन्स्टेंट फॉर दिस सर्टेन पीरियड, ठीक है, कॉन्स्टेंट फॉर दिस पीरियड, इसी को हम मान लेंगे बेटा T4, ओके, इतनी बात क्लियर है, बाकी कोई चेंज नहीं। सो नाउ ITM0 स्टिल नो चेंज, ITA0 स्टिल नो चेंज बेटा, एंड अच्छा ये भी डिस्टर्ब हुआ फिर से, क्या बात है, सो
सुनाओ बेटा। इसके बाद अब ये देखिए ID1 करंट इस पॉइंट के बाद क्या हो गया बेटा, इस कांस्टेंट ID1 ही क्या हो गया, कांस्टेंट। इसके करंट को चेंज कर देते हैं, ID1 इज नाउ बेटा कांस्टेंट, आफ्टर दिस ID1 इज कांस्टेंट थोड़े टाइम के लिए, ओके, जिसमें कैपेसिटर चार्ज होगा। नाउ बेटा ID2 अभी भी जीरो, सो नो चेंज। फ्री ब्लिंक डायोड करंट अभी भी जीरो, अभी भी बेटा नो चेंज लाइक दिस फ्री ब्लिंक डायोड करंट। एंड IST बेटा स्टिल इज इक्वल टू I0, स्टिल इज इक्वल टू बेटा I0, ओके, IS still equal to I. Now, what will be this VS? So, VS will start to decrease. VS will start to decrease from the KVL equation. So, VS थोड़ा सा घटना शुरू करेगा, बहुत ज़्यादा नहीं, minute हल्का घटा देते हैं यहाँ से, like this, okay? And capacitor voltage in this case will be beta ramp function, okay? तो कैसे draw करें यार? इधर पहले ये एक इसके लिए हम कैपेसिटर वोल्टेज को थोड़ा ऐसा बनाएं कि हम उसके दिखा पाए, ओके, हम लोगों ने ऐसे मान लिया बेटा दिस इज द कैपेसिटर वोल्टेज इन दिस फैशन, ऐसे, ओके। एंड आफ्टर दिस बेटा कैपेसिटर वोल्टेज इज रैंप, ये ना जैसे यहां T4 पे पहुंचेंगे, और ध्यान से कैरी करना, ये जो ग्रीन कलर फंक्शन है दिस इज द कैपेसिटर वोल्टेज अप टू दिस बेटा कोसाइन फंक्शन एंड आफ्टर दिस बेटा रैंप फंक्शन, आफ्टर दिस रैंप फंक्शन। इतनी बात क्लियर है टू एवरीवन? इतनी बात बेटा क्लियर है टू एवरीवन? ओके, आगे बढ़े। नाउ बेटा इस पीक वैल्यू को भी बढ़िया से ये नहीं है कोई ना, इतना हटा है उतना हटा देते हैं। नाउ दिस इज द पीक वैल्यू ऑफ योर कैपेसिटर वोल्टेज, ये जो इनिशियल हमने कैपेसिटर वोल्टेज पीक वैल्यू बेटा VS मानी थी वो ये आ गई VC0 माइनस, और यहां पे आ गया बेटा माइनस VS, ठीक है। नाउ इस पॉइंट तक ये हो गया, नाउ T4 तक ये क्या रहा बेटा, रैंप फंक्शन। सो नाउ एट दिस इंस्टेंट बेटा दिस वैल्यू इज गोइंग टू बी रीच एट अगेन VS, और जैसे ये VS को गेन करेगा अब अपना केस शुरू हुआ T4 से T5 का, ओके। सो T4 से T5 में क्या होगा इसको जरा ऑब्जर्व कर लेते हैं, एक और लाइन खींचनी पड़ेगी हम लोगों को T4 से T5 के लिए, ओके, T4 से T5 के लिए I0, तो यहां से ले लेते हैं हम लोग बेटा T5, लेट मी चेंज दिस कलर, ये लोग ले लेते हैं बेटा, सो T5 हम यहां पे कर देते हैं, दिस इज आवर T5, ओके, दिस इज आवर बेटा T5। आप भी कह रहे होंगे सर कैसे इसको पढ़ना है कि छोड़ना है, अब आपने वाइस रखी थी सर कि नहीं हमें तो कम्यूटेशन पूरा चाहिए, हमने कहा लो बेटा फिर पूरा, ऐसे नहीं होता भैया कम्यूटेशन की बस उठे और मजाक मजाक में निकल गए कह के, ओके। अब उसके लिए फिर बेटा वही है, लोग फॉर्मूले बता देते हैं 10 मिनट में, ये फॉर्मूले सीख लो, लेकिन अगर वाकई में आपको कम्यूटेशन सीखना है तो थोड़ा सा बेटा मेहनत करनी पड़े, ओके, ये रहा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सो नेक्स्ट टाइम इंस्टेंट बेटा वी वांट टू से T5, सो फिर से यहाँ पे कुछ लिख देते हैं हम लोग, भाई कहां से आ रहे हैं, बस मुझे डर है बेटा बोर्ड अपना ना कब से मॉनिटर जब टकरा जाते हैं ना बोर्ड जो है एंड हो जाता है, T3 एंड T4 और अगला रख दिया बेटा हमने T5, जबकि दो अलाउड चल रहे हैं उसके बाद भी, तो ये हो गया T4 T5। नाउ इन दिस केस बेटा व्हाट विल हैपन, देखो ICT, अब ICT क्या है, इंडक्टर करंट भी है, सो आफ्टर दैट बेटा इंडक्टर विल डिस्चार्ज, सो नाउ बेटा वी कैन से इन दिस रेंज समवेयर हियर बेटा इंडक्टर इज गोइंग टू बी डिस्चार्ज, और धीरे धीरे डिस्चार्ज होना शुरू हो गया, एंड दिस इज नॉट कोसाइन फंक्शन और रैंप फंक्शन, इट इज नॉन लीनियर फंक्शन बिकॉज पूरा नेटवर्क के साथ जा रहा है, तो दिस इज सम नॉन लीनियर अननोन फंक्शन, ओके, लाइक दिस। तो ये बेटा यहाँ पे आ गया, अब जैसे इस जगह पे जाके कैपेसिटर करंट जीरो हुई, इसका मतलब बेटा इंडक्टर करंट भी जीरो हो गई, सो एट दिस इंस्टेंट बेटा इंडक्टर करंट जीरो, बट इसी ड्यूरेशन में जिसमें इंडक्टर इसको ना कैपेसिटर करंट कम मानो, इंडक्टर करंट ज्यादा मानो, यहां से इंडक्टर क्या करेगा एज ए सोर्स वर्क, और इसी रीजन में बेटा इंडक्टर की सोर्स बनने की वजह से फ्री व्हीलिंग डायोड, क्योंकि लोड करंट तो कम नहीं हो सकती ना, तो लोड भी अपनी पोलैरिटी चेंज कर देगा, सो इन द सेम रीजन बेटा अभी TM ऑफ है, TA ऑफ है, नो चेंज। नाउ बेटा ID1, अब ID1 की करंट घटनी शुरू हुई, अब ध्यान देना ID1 की करंट घटनी शुरू हुई क्योंकि इसी रीजन में बेटा ID1 घटेगा, और इसी रीजन में बेटा ID1 करंट यहां फाइनली क्या हो जाएगी जीरो अपने अजम्पशन के अकॉर्डिंग। नाउ बेटा D2 ये तो ऑलरेडी ऑफ था, तो नो नीड टू लाइक नेक्स्ट IFD, अब बात बनी बेटा
when I of D1 is start to decrease, so I of FD start to increase. So अभी भी I not क्या रहेगा? Constant रहेगा. अभी भी I not क्या रहेगा? Constant. Now in this region बेटा IST, अब ये IST पे भी गाज गिरी क्योंकि ID1 अगर decrease हुआ तो IST भी decrease होगा. So IST will start to decrease and here IST will be zero. Okay? Now what about the output voltage beta? So in this case you know very well, धीरे धीरे चलके capacitor finally charge हो जाएगा और inductor fully discharge हो जाएगा, तो Vs finally क्या हो जाएगा? Zero beta. तो ऐसे करते करते finally Vs कहाँ पहुंच जाएगा? Zero पे. Finally Vs कहाँ पहुंच जाएगा? Zero पे. और ऐसे हो जाएगा Vs zero. Okay? So inductor and capacitor resultant voltage will look like same here. Okay, इसी को mirror image यहाँ बना दें, ऐसे, ऐसे, और फिर बेटा ऐसे कुछ roughly यहाँ तक, यानी कि T4 तक, यानी बेटा T4 तक कुछ ऐसे. Okay, कैसे आप देखो ऐसे समझो, inductor और capacitor यही दोनों बेटा main SCR के across connected हैं. Okay, but reverse में, तो VC minus VL. VC minus VL, तो VC क्या है सर? VC ये है, इस टाइप का कुछ राइजिंग फंक्शन, उससे VL घटा दो तो tentatively response बेटा कुछ ऐसा मिलेगा आपका VTM का, VTM का. इतनी बात क्लियर है? अब ये हो गया बेटा पीरियड T4 से T5, तो हम T3 से T4 में ही T4 से T5 भी डिस्कस कर चुके थे, तो अगला एक पीरियड और ले लेते हैं T4 के बाद का. लेकिन उससे पहले हम बेटा डिस्कस करना चाह रहे हैं T4 से T5 अगेन, T4 से T5 अगेन. तो ये रहा बेटा नेक्स्ट केस इज नथिंग बट T4 से T5. अब आप बताओ इसमें कौन ऑन रहेगा? तो केस नंबर 5 बेटा इज नथिंग बट T4 से T5. इन दिस रेंज बेटा डायोड D1 एंड फ्री व्हीलिंग डायोड बोथ आर ऑन, बोथ आर कंडक्टिंग. होपफुली दिस थिंग इज क्लियर. और बोथ आर कंडक्टिंग का मतलब क्या हुआ बेटा? ये भी ऑन, ये भी ऑन और ये भी. अब एक करंट आपकी घटेगी और एक करंट आपकी बढ़ेगी. एक करंट घटेगी और एक करंट बेटा. तो नाउ दिस इज आई ऑफ एल, आप इंडक्टर करंट बोल लो या आई ऑफ डी वन बोल लो, और फ्री व्हीलिंग डायोड इज आल्सो ऑन. सो दिस इज बेटा आई ऑफ एफ डी. सो आई डी वन एंड आई ऑफ एफ डी इज इक्वल टू आई. सो व्हाट वी कैन राइट? आई नॉट इज इक्वल टू बेटा आई ऑफ एफ डी प्लस बेटा आई ऑफ डी वन. सो इन दिस केस इंडक्टर इज गोइंग टू बी वर्क एज ए सोर्स. ID1 will increase and IFD will increase. So, okay. ID1 will decrease and IFD will increase. So, in this case, beta, T4 से T5, अगर हम current के behavior देखें, जो अभी मैंने समझाए थे, तो कैसे बनेंगे? देखो ऐसे. Only beta, we are discussing range T4 से T5. So, ये रहा T4, ये मान लिया T5. In this range, sorry. ये रहा beta T4, ये रहा T5. So, in this range, what will happen beta? I of D1 will start to decrease and I of FD beta will start to increase like this. So this is I of FD, this is beta I of D1. Why this thing is happening? Because beta inductor, so DIL by DT is less than zero. That means inductor will work as a source. So inductor and supply both will charge our capacitor. So in this reason, what will happen beta? Capacitor is charged by more than Vs, more than Vs voltage. Okay, because Vs supply voltage and inductor both will behave as a source for capacitor. So capacitor beta will behave only as a load. And due to this reason, beta capacitor voltage will be higher than Vs. So capacitor voltage will be higher than Vs. So beta capacitor voltage higher than Vs. जो ऊपर लिखा हुआ है, higher than Vs. ये कहानी हो गई. And rest all devices are off. तो सारी वेवफॉर्म पूरी हो गई. अब इस केस में आप देखो बेटा V0 की वैल्यू क्या है? जीरो. So now what will be this BTM? अगर निकालना हो, is BC minus VL. ये है. तो now in this region बेटा V0 is zero.
तो यहां पे हम देखते हैं भाई के वो v नॉट इज जीरो. ओके नाउ आई गेस बाकी आप समझदार हो, सारे केसेस हम ऑलरेडी कर चुके हैं. नाउ वी विल सी लास्ट केस एंड दिस इज नथिंग बट बेटा केस नंबर कितना चला, 5 और 6 नाउ 6 केस नंबर 6. तो केस नंबर 6 क्या हो गया बेटा, खत्म. अब जाके एक राहत के साथ इन द रेंज ऑफ t5 टू t6. ओके सो नाउ बेटा t5 पे क्या हुआ, डायोड d1 ऑफ, व्हाई, बिकॉज़ इंडक्टर इज फुली डिस्चार्ज. व्हिच इंडक्टर, दिस इंडक्टर. सो नाउ ओनली फ्री व्हीलिंग डायोड इज ऑन. ओके सो इन दिस रेंज बेटा ओनली फ्री व्हीलिंग डायोड इज ऑन. ओनली बेटा फ्री व्हीलिंग डायोड इज ऑन. ओके ओनली फ्री व्हीलिंग डायोड इज ऑन. सो n इक्वल टू t5. ओके दिस इंडक्टर l, इंडक्टर बेटा l will be fully discharged. So inductor L beta will be fully discharged. And due to this reason beta D1 is off. So due to this reason beta D1 is off. In this case beta our D1 will be open circuit. So ये ध्यान रखो D1 बहुत लंबे duration के लिए on रहा है. Okay? So beta, so D1 is off. So D1 is off. Now beta, सारी कहानी खत्म. जितने भी ऑन हुए थे डिवाइसेस सारे ऑफ हो गए. अब लास्ट डिवाइस बचा है फ्री व्हीलिंग डायोड. नाउ इट विल कंडक्ट. और ये कंडक्ट हुआ तो रेस्ट यहां से तो सब निपट गया यार. सारी करंट जीरो, वोल्टेज का कोई मतलब नहीं. ये रहा बेटा v नॉट जीरो, i नॉट इज इक्वल टू ifd. सो नाउ बेटा वी कैन राइट ifd इज इक्वल टू i नॉट एंड v नॉट इक्वल टू जीरो. रेस्ट आपको पता है. ओके नाउ ऑन दिस बेस वी कैन ड्रॉ बेटा वेवफॉर्म्स. ओके अब आपको जैसे मैंने वोल्टेज कम्यूटेशन में समझाया था वैसे इसमें कर लेना. ओके अगर आपको सिस्टम यही बंद करना है तो फ्री व्हीलिंग डायोड करंट धीरे धीरे घटने लगेगी बिकॉज बेटा लोड इंडक्टर अब चार्ज नहीं होगा या लोड सप्लाई से एक्साइट नहीं होगा. और इस केस में बेटा धीरे धीरे अपनी लोड करंट घटेगी तो फ्री व्हीलिंग डायोड करंट भी घटेगी और एक टाइम के बाद लोड करंट क्या हो जाएगी, जीरो. लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि सर फ्री व्हीलिंग डायोड एक सर्टेन टाइम के लिए ऑन है एंड अगेन यू वांट टू ट्रिगर योर SCRTL तो फिर वो कंटिन्यूअस चलता रहेगा वैसे ही. ओके ये रही कहानी. तो अब इसको ऐसे समझ लेते हैं बेटा, देन यहां तक आ गए. सो नाउ नेक्स्ट पीरियड इज बेटा t5 और अगला हम मान लेते हैं t6. t6 इज बेटा दिस वन. ओके इसी को हम t6 बोलते हैं. तो t6 इज बेटा दिस वन. ठीक. तो इन दिस केस व्हाट विल हैपन, ICT करंट बेटा नाउ इन दिस रेंज ICT विल बी जीरो. ये लो जीरो हो गया, ICT बेटा विल बी जीरो. नाउ अभी भी ITM जीरो, नो नीड. सो ITA बेटा इज स्टिल जीरो, ITA भी जीरो क्योंकि ऑन नहीं हुआ. ID1 बेटा, ID1 सर, ID1 भी जीरो, ID1 भी जीरो क्योंकि D1 ऑफ हो चुका है. नाउ ID1 इज जीरो. देन इसके अलावा सर ID2 अभी भी जीरो है तो जीरो. एंड देन बेटा IFD अब ये कांस्टेंट हुआ. अब ये क्या हुआ बेटा, कांस्टेंट. और मैं ये कह रहा हूं कि इसके बाद फिर तुरंत आप TM को ऑन कर रहे हो तो अब मैं इसको जीरो नहीं करूंगा. ठीक है, ध्यान रखना बिकॉज वी हैव अज्यूम दैट करंट लोड करंट इज कांस्टेंट. We have assumed that beta load current is constant. Now ISP supply current beta in this region is zero because all devices are off in this case. And output voltage, the free wheeling diode is on. So output voltage master D is nothing but zero. So output voltage is certainly nothing but zero. ये हो गया. Now VCT capacitor voltage in this case beta धीरे धीरे ये क्या होने लगेगा, reduce. धीरे धीरे ये क्या होने लगेगा, wait होने. ये थोड़ा सा गलत बना दिया हम लोग, इसको हटा देते. और इसमें थोड़े टाइम के लिए क्या होगा, राइज, फिर बेटा धीरे धीरे घटने लगेगा. और घट के कहां पे आ जाएगा, Vs पे. फिर से जैसे इंडक्टर फुली डिस्चार्ज फिर से Vs स्टेडी स्टेट आ जाएगा ना. तो एक पीकी नेचर जरूर आएगा बेटा लेकिन पीकी नेचर के बाद ये घटने लगेगा और फिर से अपना स्टेडी स्टेट वैल्यू गेन कर लेगा. ओके लाइक दिस स्टडी स्टेट वैल्यू गेन कर लेगा बेटा लाइक दिस. और जैसे ये स्टडी स्टेट आया इन अदर वर्ड्स इंडक्टर फुली डिस्चार्ज हुआ बेटा, ये फिर से किस पे आ गया, Vs पे. और जैसे Vs पे आया तो ओपन सर्किट खत्म. Now, this is the VCT. और इसके बाद ये रहा आपका constant voltage VS. ये रहा constant voltage VS. Clear? अब आगे बढ़ते हैं. तो इसको और थोड़ी सी लाइनें ड्रॉ कर देते हैं बेटा इसमें. चलिए यहां तक सारे पॉइंट्स क्लियर है ना. तो इसके बाद बेटा हमारे पास VTM आ गया. सो VTM is nothing but just constant voltage of capacitor voltage. And this capacitor voltage will be beta constant Vs in this range. कहाँ तक, जहाँ तक आपका free wheeling diode होने है, या यहाँ तक. ठीक है, इतनी इतने points भी clear है, done. और इसको यहाँ पे थोड़ा सा variation दिखा देते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा variation दिखा देते हैं. And then beta constant like this. Okay, ये सारे points clear, ये points clear. So VC0. Now beta VC0
ये पीक नेचर को थोड़ा सा बड़ा दिखा देते हैं क्योंकि ये वी एस जैसा ही दिख रहा है। तो बेटा हम लोग बनाना भी एक जो है आठ है, यहां तक हो गया। यहां तक और इसके बाद बेटा रैंप, यहां पे रैंप, इसके बाद बेटा थोड़ा बढ़ा एंड देन कुछ रुक। Here bit of RAM and then and bit tentatively, okay. This is the capacitor voltage. Okay, then now what is our output voltage? Output voltage in this range are zero. Output voltage in this range zero. So now, aram se samjhiye beta. When free bleed diode current we have assumed like constant. So agar IFD constant hai, to iska matlab beta humne iske baad fir se apne devices ko on rakha hua hai. Sorry, main devices ko fir se trigger kar diya. Agar main device ko aap trigger nahi karte beta, to aapko bhi pata hai kya hota hai yaar. Iske baad free bleed diode current dheere dheere decrease ho jati and so on. To main ye keh raha hu beta, itna time period kya hum ek cycle nahi kar sakte? So this is the time period of beta one cycle. ये जो यहां से लेके यहां तक है, this is the beta total time period of one cycle. इसके बाद क्या होगा सर? इसके बाद नेचर रिपीट होगा। तो नेचर रिपीट होने का मतलब क्या, हम ऐसा नहीं कह सकते बेटा आफ्टर दिस, थोड़ा सीरियस रहेंगे, आफ्टर दिस बेटा आवर करेंट विल बी अगेन दिस नेगेटिव। छोटा पीरियड बना दे, बड़ा बना रहे आफ्टर दिस बेटा इट इज गोइंग टू बी रिपीट and then this something like this, then this beta, okay, ye repeated ho gaya. So iske baad fir se beta tm on ho gaya. So somewhere here beta is tm on, okay, tm is on, then as the aage badho beta. So itm ye kaun si current thi beta? Capacitor, yes, main tyaar hai. So now beta again capacitor current will look like something, sorry itm current beta will look like something. इसके बाद फिर से कांस्टेंट एंड सो ऑन फॉर द सेम प्रोसेस चलेगा आईटीए बेटा। इसके बाद क्या हो जाएगा? दिस साइनसॉइडल फंक्शन समथिंग लाइक दिस एंड व्हाट विल बी द आईडी वन बेटा? यहां जीरो, तो इसके बाद भी क्या हो जाएगा? जीरो एंड दिस इज अ रिपीटेड नेचर। इसके बाद रिपीट करने समथिंग लाइक दिस, ओके नॉट सॉरी, ये यहां तक तो जीरो है, इसके बाद बेटा फिर से जीरो, ओके लाइक दिस आईडी वन and then beta id2, so id2 again will be zero aur iske baad kahin jaake repeat hone lagega. Beta next is ifd, iske baad ifd zero because you know very well your main device is on like this beta. ist, iske turant baad fir se kya ho gaya beta? Ye i0 ke baad i0 and so on. And what about v0 beta? V0 iske baad fir se kya ho gaya? Agar hum cycle repeat karwa dete to sorry, v0 is nothing but vs and so on. And what will be the capacitor voltage VCT? So after this beta capacitor voltage VCT is cosine function again. So after this it will be, after this beta it will be cosine function again. After this it will be cosine function again. And what will be the VTM? So after this beta VTM is again on. So that will be zero. Like this. Okay. After that cycle is going to be repeat. ये रही सारी waveform. अब आप समझ लो, अपने हिसाब से समझो हर पॉइंट और चेक कर लो. कहीं भी कोई डाउट हो यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स. ओके, एक लंबा पीरियड हो गया डिस्कशन करते हुए, ऑलमोस्ट आई थिंक ढाई घंटे प्लस होने जा रहे हैं. ओके, सो होपफुली यू आर गेटिंग माय पॉइंट. इतनी सारी एनालिसिस के बाद, इतने सारे केसेस के बाद अब हमें फॉर्मूले पे वर्क करना है, और फॉर्मूले पे वर्क कर लिया तो फिर बेटा उसके बाद सब कुछ आसान है, फिर उसके बाद सब कुछ आसान है. तो बेटा मैं इसको हटा दूं, एक साथ आपके पास ये पहुंच जाएगा. ओके, और आगे बढ़ते हैं. दस इसके बाद करते हैं बेटा फॉर्मूले पे काम. ठीक है, अब चले आगे फॉर्मूले पे काम करते हैं. तो आगे चलते बेटा फॉर्मूले पे काम. तो पहला पॉइंट यार, आप लोग मुझे ऐसे ही बताओ आराम से धीरे धीरे सोच के, व्हाट विल बी द बेटा आईटीएम मैक्स मेन एसटीआर करंट बेटा.
सो आईटीएम मैक्स इज नथिंग बट बाद में बनाऊंगा सो आईटीएम मैक्स इज नथिंग बट बेटा इन दिस केस ओनली आई नॉट ध्यान दो एंड व्हाट विल बी द आईटीए मैक्स बेटा ऑब्जेक्टिवली एससीआर ऑब्जेक्टिवली एससीआर इज नथिंग बट वीसी 0 माइनस अंडर रूट सी बाय एल एमपीएन एंड व्हाट विल बी द बेटा आई ऑफ डी2 मैक्स आई ऑफ डी2 जो ऊपर लगा था आई ऑफ डी2 क्या हो जाएगा सर वीसी दैट मींस कैपेसिटर मैक्सिमम करंट अंडर रूट माइनस आई नॉट ये बनेगा एंड आई ऑफ डी1 मैक्स क्या होगा बेटा सर आई ऑफ डी1 इज नथिंग बट कैपेसिटर मैक्सिमम करंट so is vc 0 minus under root c by l okay what is the ifd max beta ifd max is same is nothing but i naught baki average rms nikal na to wo bhi nikal sakte but koi puchega nahi because average rms will be somewhat complex so ye kuch formulae hain jo aapko apne zehen mein rakhne padenge ab main aapse dusra question puchunga ki what will be the minimum conduction period of our main scr तो अगला पॉइंट होगा बेटा मिनिमम कंडक्शन पीरियड ऑफ मेन एससीआर मिनिमम कंडक्शन पीरियड ऑफ मेन एससीआर मिनिमम बताना बेटा आप बताइए कम्यूटेशन कहां से स्टार्ट हुआ था सर पाई के बाद क्योंकि पाई के बाद आईसी की वैल्यू बेटा क्योंकि पाई के बाद आईसी की वैल्यू किससे बड़ी हो रही थी आई नॉट से बड़ी हो रही थी तो आगे बढ़ जाओ समझना अगर हम लोग बात करें मेन एससीआर की कंडक्शन पीरियड की तो आपने ध्यान दिया होगा बेटा शुरू में आपकी कैपेसिटर करंट कुछ ऐसी थी और यहां पे कंपैरिजन हुआ था तो कम से कम पाई से पहले तो मेन एससीआर ऑफ नहीं होगा ना सो व्हाट इज द मिनिमम कंडक्शन पीरियड ऑफ मेन एससीआर सो कंडक्शन पीरियड ऑफ मेन एससीआर इज नथिंग बट ओमेगा नॉट टी इज इक्वल टू व्हाट वी कैन राइट बेटा पाई सो देयरफॉर बेटा टी ऑन मिनिमम ऑफ बेटा Tm main SCR is pi under root LC seconds. Okay, हम लोग already discuss कर चुके हैं omega not is nothing but beta 1 by root LC. तो ये हो गया अगला formula. अच्छा क्या बता सकते हैं बेटा? What is the minimum conduction period of auxiliary SCR? सर वो भी तो यही है zero से pi तक और उसके बाद auxiliary SCR off हो जाता है बेटा. तो and auxiliary SCR and TA will also and TA will also conduct for इसको ऐसे लिख देते बेटा अलग से लिख देते क्योंकि इसका ये मिनिमम नहीं है इसका ये क्या है बेटा कंडक्शन पीरियड इसका मिनिमम है इसका कंडक्शन है सो नेक्स्ट बेटा कंडक्शन पीरियड इसमें मिनिमम वर्ड यूज नहीं होगा कंडक्शन पीरियड ऑफ एससीआर टीए ऑफ एससीआर बेटा टीए दैट इज ऑब्जेक्टिव एससीआर इसका तो बेटा यही रहेगा कितना पाई तो ये हो गया टी ऑन मिनिमम दैट मींस कंडक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव एससीआर टीए इज पाई रूट एलसी सेकंड्स ओमेगा नॉट इक्वल टू पाई सी बेटा ये मिनिमम वर्ड यहां पे हटा तो टी ऑन ऑफ टीए डन बिकॉज़ यू नो वेरी वेल बेटा ओमेगा नॉट इक्वल टू 1 बाय रूट एलसी ये हो गया अगला फॉर्मूला नाउ अगले पे चलते बेटा What is the conduction period of diode D2? Next, बेटा ये पूछ सकते हैं conduction period of diode D2 याद करो diode D2 कहाँ तक कौन था? याद आ गया सर जब current capacitor ऐसे plot की थी तो इस वाले रीजन में diode D2 on है और ये limit क्या थी theta और वो limit क्या theta तो अगर बेटा इतना वाला पीरियड हम थीटा ले लें और ये भी थीटा ले लें तो कितना हो गया टू थीटा और ये थीटा की वैल्यू तो आप निकाल ही सकते हो तो फाइनली हम क्या लिखते हैं बेटा एट ओमेगा टी इक्वल टू और ध्यान से सुनते रहना बेटा एट ओमेगा टी इक्वल टू थीटा ओके वी कैन राइट आई सी मैक्स वैल्यू आपको पता है क्या है इंटू साइन ओमेगा नॉट टी इज इक्वल टू बेटा आई नॉट और ओमेगा नॉट इक्वल टू क्या मान गया थीटा जो डिस्कशन किया था उन्होंने सो साइन इनवर्स आई नॉट बाई IC max एक पॉइंट ये रख दो where IC max is nothing but IC max is nothing but बेटा VC 0 minus under root C by L एम्पीयर ये वैल्यू ध्यान रखिएगा ओके अब आप कहेंगे सर आपने इसको थीटा माना था इसको पाई माना था हाँ ठीक है बेटा तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया ये पाई है और ये बीटा है ठीक है ना ये पाई है ये बीटा और ये एंगल क्या है बेटा इसको हम मान लें थीटा तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा थीटा सो व्हाट विल बी दिस कंडक्शन पीरियड इज बेटा ये पाई है तो यहां पे 2 पाई हो जाएगा सो टोटल पीरियड इज नथिंग बट बेटा दिस वन पाई
ओके 2 पाई माइनस पाई, पाई पाई से कितना कम कर दो, थीटा कम कर दो, थीटा कम कर दो। तो बेटा ऐसे भी लिख सकते हो आप, एट ओमेगा टी इक्वल टू बीटा दिस फंक्शन इक्वल टू दिस एट बीटा माइनस पाई इज इक्वल टू थीटा, ऐसे भी लिख सकते हो ठीक है। या आप इसी को अगर थीटा मानते हो तो इसके रिस्पेक्ट में लिख दो बेटा पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू दिस और उससे सॉल्व कर दो तो थीटा आ जाएगा। बहुत सारे तरीके हैं। ओके सो व्हाट इज द कंडक्शन पीरियड ऑफ बेटा डायोड D2 इज नथिंग बट पाई माइनस 2 थीटा, पाई माइनस 2 थीटा। तो इसको हम लिख सकते हैं बेटा इज इक्वल टू ओमेगा डॉट टी। सो देयरफॉर बेटा टी ऑन ऑफ डायोड डी टू इज इक्वल टू पाई माइनस 2 थीटा ओमेगा डॉट, इधर आया सो अंडर रूट एलसी सेकंड्स, ये भी ध्यान रखना। अच्छा ये बताओ यार, जितने टाइम के लिए डायोड D2 ऑन है बेटा उतने में ही तो कम्यूटेशन होगा ना, अगर इसमें कम्यूटेशन नहीं हुआ तो अपना मेरे सीआर अब कभी ऑफ भी नहीं होगा, ये हम लोग डिस्कस किए थे। सो व्हाट इज द कम्यूटेशन टाइम, सो देयरफॉर बेटा कम्यूटेशन टाइम इज ऑल्सो इक्वल टू सेम, सो कम्यूटेशन टाइम बेटा इज नथिंग बट वी नो वेरी वेल ईसी इज इक्वल टू सेम टाइम बेटा पाई माइनस 2 थीटा इनटू अंडर रूट एलसी सेकंड्स। ओके देयर थीटा इज इक्वल टू दिस वन, इसके अलावा बेटा अब क्या पूछ सकते हैं, सोचते हैं जरा, मैक्सिमम करंट हो गई, टाइम हो गया, कंडक्शन पीरियड हो गया, मिनिमम कम्यूटेशन पीरियड हो गया, दैट्स ऑल। ओके नाउ अब चेक करते हैं व्हाई दिस करंट कम्यूटेशन इज बेटा बेटर इन कंपेयर टू वोल्टेज कम्यूटेशन और व्हाई करंट कम्यूटेशन इज नॉट गुड इन कंपेयर टू वोल्टेज कम्यूटेशन। सो करंट कम्यूटेशन इज बेटर इन कंपेयर टू वोल्टेज कम्यूटेशन बिकॉज बेटा मेन एसआर इन वोल्टेज कम्यूटेशन कैरी करंट और मैक्सिमम कैरी करंट इज आई नॉट प्लस बीसी जीरो माइनस अंडर रूट सी बाय एल, बट इन करंट कम्यूटेशन बेटा आई टी एम मैक्स इज समवॉट लेस। ओके तो अगर मैं ये लिखूं बेटा यहां पे एक पॉइंट लिख देता हूं वोल्टेज कम्यूटेशन चॉप, यहाँ पे एक पॉइंट लिख देते हैं वोल्टेज कम्यूटेशन चॉपर और यहाँ पे लिख देते हैं करंट कम्यूटेशन चॉपर, करंट कम्यूटेशन चॉपर। तो आप कंपेयर खुद ही करिए, है ना, आप कंपेयर खुद ही करिए। जैसे पहला पॉइंट यहाँ पे लिख दे आई टी ए ऑक्सिलरी एसआर मैक्स करंट इन द वोल्टेज कम्यूटेशन इज आई डॉट, जबकि इसमें आई टी ए मैक्स क्या होता है बेटा इज वी सी जीरो माइनस अंडर रूट सी बाई एल एम्पियर, मैक्सिमम करंट की मैं बात कर रहा हूँ बेटा। और यहाँ पे मेन एसआर की जो करंट होती है आईटीएम मैक्स वो हो जाती है बेटा आई नॉट प्लस बीसी जीरो माइनस अंडर रूट सी बाई एल एम्पियर, जबकि यहाँ पे बेटा आईटीएम मैक्स जो करंट हो जाती है तो ये हो गई आई नॉट। सो दिस द एडवांटेज, करंट रेटिंग इज लो, मेन एसआर करंट रेटिंग इज लो। दूसरा पॉइंट बेटा इसमें जो वीसी मैक्स की वैल्यू होती है वो हो जाती है वीएस, जबकि इसमें जो वीसी मैक्स की वैल्यू हो जाती है वो क्या होती है बेटा is more than Vs। अब आप कहोगे सर पता कैसे करेंगे, तो ऐसे करेंगे। देखो बेटा Vc max यानी कि जो वो कम्यूटेशन पीरियड है जहां सॉरी जो वो जो पीरियड है जिसमें इंडक्टर एनर्जी सोर्स वर्क करेगा तो उसमें बेटा इंडक्टर अपनी पूरी एनर्जी किसको देगा, कैपेसिटर को। तो वी कैन से इन दैट पीरियड, ओके वो पीरियड आई थिंक अपना था T4 से T5 ना, सो इन द पीरियड ऑफ T4 से T5 बेटा इन दिस पीरियड एंटायर एनर्जी डिलीवर्ड बाय इंडक्टर बेटा इज इक्वल टू एनर्जी कैपेसिटर, बाकी सबको हटा दिया ठीक है, ये हो गया। तो इसको लिख दे बेटा बीसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट बेटा एल बाई सी हाफ एल आई स्क्वायर बेटा, तो आई नॉट अंडर रूट एल बाई सी सही है ना बेटा, I not under root L by C लिखा, तो I not under root L by C, ये तो बेटा इंडक्टर की वजह से कैपेसिटर में इतनी एनर्जी पहुंची, तो VC max क्या हो जाएगा सर सप्लाई वोल्टेज भी तो है, so VC max equal to VS plus बेटा I not under root L by C volts, अगर कोई पूछता है exact value तो we can apply this answer, okay VS plus I not under root L by C। ओके बाकी मेरे यहाँ थक जाते हैं, इसीलिए मैं बोल रहा था बेटा कि लाइव सेशन में अगर मैं इसको लेता ना और मान लीजिए आप लोग कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाते सो शायद मैं डिमोटिवेट हो जाता, क्योंकि यार रिकॉर्डिंग करते हुए 3 घंटे हो रहे हैं और 3 घंटे की रिकॉर्डिंग के लिए आप समझते हो 4-4.5 घंटे लग जाते हैं, अगर लाइव में जाते तो और भी थोड़ा सा मतलब आप समझते हो स्पीड कम हो जाती है, चीजें कम हो जाती हैं और थोड़ा कभी कभी डिमोटिवेट भी हो जाते हैं, तो फिर उसमें इसको खींचना मतलब बस की बात नहीं। ओके
तो बीसी मैच इक्वल टू बेटा बी एस प्लस अंडर रूट आई नॉट समथिंग ये, तो इसका मतलब सर कैपेसिटर वोल्टेज यहाँ पे लो है और यहाँ कैपेसिटर वोल्टेज हाई है. दिस इज द मेन ड्रॉबैक ऑफ द करंट कम्यूटेशन. दिस इज द मेन ड्रॉबैक ऑफ करंट कम्यूटेशन. एंड ड्यू टू दिस रीजन बेटा अवर एससीआर विल ऑल्सो फेस हाई वोल्टेज, हाई पीकी वोल्टेज नेचर. सो इन दिस केस बेटा वी हैव टू टेक गुड क्वालिटी ऑफ एससीआर विद रिस्पेक्ट टू वोल्टेज लिमिट और हियर बेटा वी हैव टू कंसीडर गुड क्वालिटी ऑफ एससीआर विद रिस्पेक्ट टू करंट लिमिट. तो कुछ मायनों में करंट कम्यूटेशन बेटर है, कुछ मायनों में वोल्टेज कम्यूटेशन बेटर है. ओके, I think you are getting my point. So in general, in the DC motoring mode or DC generating mode, okay, wherever in the in other version, beta DC to DC converter, in general, we want to use voltage commutation. In rare example, we want to use current commutation. For example, electric traction system and so on. Okay, जहाँ भी आपको current से commutate करना है, वहाँ पे current commutation. Otherwise, voltage commutation in other words is better than current commutation. Okay. बस इतने कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं. इन्हीं पॉइंट्स पे बेटा आपसे गेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं. गेट 2007 में जब आईआईटी कानपुर ने पेपर डिजाइन किया था तो करंट कम्यूटेशन से क्वेश्चन आया था एंड दैट क्वेश्चन रियली वाज वेरी नाइस. ओके, दे कैन आस्क एनीथिंग, द वैल्यू ऑफ एल, द वैल्यू ऑफ सी, द कम्यूटेशन पीरियड, मिनिमम कंडक्शन पीरियड, मैक्सिमम करंट, मिनिमम करंट, वॉट एवर यार, दे आर फ्री टू आस्क एनीथिंग. अब आपको अच्छे से इन्हें सीखना है. नाउ अवर कम्यूटेशन सर्किट इज टोटली कंप्लीटेड. नाउ वी विल कंसीडर बेटा, नाउ आई विल टेक वन सेशन ऑफ द कम्यूटेशन सर्किट बेस्ड ऑन द सॉरी वन सेशन ऑफ द न्यूमेरिकल बेस्ड अपॉन द कम्यूटेशन सर्किट. ओके, चलिए, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर. आप मुझे बताइएगा हाउ वाज दिस सेशन. ओके, चलिए, लेकिन कैसे बता